La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته अल्लाह ताला ने हम बंदों को दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है और वो मकसद है उसकी रिजा को हासिल करना। हम दुनिया में आए और दुनिया में आकर ऐसी जिंदगी गुजारें, ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह राजी रहे और उसको नाराज करने वाले कामों से हम बचें। ये हमारी जिंदगी का मकसूद है, हुसूले रिजाए इलाही, अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी रहे, मौत तक राजी रहे, राजी होने की हालत में हमें अपने पास बुलाए और कयामत के दिन जब हमें अपने सामने खड़ा करे उस वक्त भी वो राजी हो
और अपनी रजामंदी के साथ जन्नतुल फिरदौस का परवाना दे और हमें जन्नत में दाखिल करे अपनी रजा के साथ। जन्नत भी मकसूद है लेकिन जन्नत से बढ़कर अल्लाह की रजा मकसूद है। इसलिए कि अल्लाह की रजा अगर मिल गई तो जन्नत खुद ब खुद मिल जाएगी। इसलिए दुआ करते हैं तो पहले अल्लाह की रजा को मांगते हैं फिर जन्नत को मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नत। ये अल्लाह हम आपसे सवाल करते हैं आपकी रजा का और फिर जन्नत का भी सवाल करते हैं, वो भी मतलूब है। और जहन्नम इतनी खतरनाक नहीं है जितनी अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मन वालुहु की नाराजगी। इसीलिए जब हम पनाह मांगते हैं तो पहले जहन्नम से पनाह नहीं मांगते, अल्लाह की नाराजगी से पनाह मांगते हैं। वाउज़ु बिका मिन सख़तिका वन्नार। ये अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं आपकी नाराजगी से और जहन्नम से। अल्लाह जल्ला जलालुहु वअम्मा नवालुहु ने अपने आखिरी पैगंबर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और जिन्होंने बराहे रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज किया, जिन्होंने बराहे रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा हासिल किया, जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म भी हासिल किया और बातिनी फ्यूज भी हासिल किए, इनसे बढ़कर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया में कोई नहीं है। अब कयामत तक कोई इनसे बढ़कर पैदा नहीं होगा रूहानियत में। तो जो सबसे ऊंचा होगा उसको इनाम भी सबसे ऊंचा मिलेगा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन उम्मत के तमाम तबकों से आला, तमाम तबकों से आला। 1,00,000 से ज्यादा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन है, 1,00,000 से ज्यादा। और इनके भी आपस में दर्जे हैं, सबसे ऊंचे दर्जे पर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद फिर अशरे मुबशरा में से बाकी 6, उसके बाद फिर जंगे बदर में शिरकत करने वाले, उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया में शिरकत करने वाले बैतुर रिजवान वाले, इनके भी मुख्तलिफ दर्जे हैं। तो 1,00,000, 1,00,000 से ज्यादा सहाबा है। तो सबसे निचले दर्जे के जो सहाबी हैं, हम हजरत अबू बकर की बात नहीं कर रहे हैं, हजरत उमर की बात नहीं कर रहे हैं, हजरत उस्मान की नहीं, हजरत अली की नहीं, हजरत बिलाल की नहीं, हजरत तलहा की नहीं, हजरत जुबैर की नहीं, ये तो बड़े बड़े लोग थे रबी अल्लाह अनहु मजमईन। सबसे निचले दर्जे के जो सहाबी हैं रबी अल्लाह ताला अनहु, उनका मुकाबला इमाम बुखारी नहीं कर सकते, उनका मुकाबला इमाम अबू हनीफा नहीं कर सकते, उनका मुकाबला शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं कर सकते, उनका मुकाबला शेख जुनैद बगदादी नहीं कर सकते। तो सहाबा का मकाम कितना ऊंचा होगा? जब मकाम इतना ऊंचा तो इनाम मिलेगा वो भी ऊंचा। अव्वल नंबर
नंबर से पास होने वाले तालिब इल्म को जो इनाम मिलता है दूसरे नंबर से पास होने वाले को नहीं मिलता। तो हमें ये देखना है कि उनको अल्लाह ने कौन सा इनाम दिया, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के खजाने में सबसे बड़ा इनाम कौन सा है। तो शुरू से लेकर अखीर तक जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो दूसरे इनामात का भी जिक्र होता है, मगर एक इनाम का हर जगह पर जिक्र होता है और वो है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने घर बार लुटाया, जिन्होंने जाने कुर्बान की, जिन्होंने फाके बर्दाश्त किए, जिन्होंने गालियां खाई, जिनको सताया गया, जिनको गरम गरम रेत पर लिटाया गया, जिनको पथरीली जमीन पर घसीटा गया, जिनके सीने में पत्थर रखे गए, जिनको बेघर किया गया, अल्लाह ताला शानो को फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानियां इन्होंने दी, आला दर्जे की कुर्बानियां, आला दर्जे की कुर्बानियां। और हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहु, अल्लाह ताला शानो हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहिब रहिमहुल्लाह ताला के दर्जे बुलंद फरमाए, और हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम की उम्र में खूब बरकत दे, और हमें और पूरी उम्मत को उनके फ्यूज से और हमारे दिगर अकाबिर जो अभी हयात है उनकी उम्र में बरकत देकर उनके फ्यूज से मुतमत्ते फरमाए। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन का कैसा वालिहाना ताल्लुक था, वो किस कदर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। हजरत फरमाते हैं कि अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन को यह मालूम हो जाता कि हम सारे के सारे हमारी जाने अगर कुर्बान कर दें तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चंद लम्हात का इजाफा हो सकता है। मौत का वक्त तो मुकर्रर होता है, लेकिन अगर ये पता चल जाता हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक, अगर उनको पता चल जाता कि हम सारे के सारे हमारी अगर जाने कुर्बान कर दें, हमारी जिंदगी दे दें अल्लाह के हवाले कर दें कि अल्लाह आप हमारी जिंदगियां ले लीजिए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुछ इजाफा फरमा दीजिए, और अल्लाह ये कहते कि तुम्हारी सारी जाने मैंने कबूल कर ली मगर सिर्फ चंद सेकंडों से मैं तुम्हारे महबूब की जिंदगी में इजाफा करूंगा, तो ये हजरत ये ना कहते कि इतनी सारी जाने और इजाफा सिर्फ चार पांच सेकंड का, उन चार पांच सेकंड के इजाफे को अपने महबूब की जिंदगी में देखने के लिए सारे के सारे अपनी जाने कुर्बान कर देते। ऐसे लोगों को इनाम कितना ऊंचा मिलेगा। जो ये कहते थे कि आप हमारे माल में से जो चाहे ले लीजिए और जो चाहे छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, जो चाहे ले लें जो चाहे छोड़ दें, लेकिन एक बात आप जहन में रखिए कि जो आप लेंगे वो हमारी नजर में उससे ज्यादा महबूब होगा जो आप हमारे पास छोड़ेंगे। छोड़ी हुई चीज महबूब नहीं, जो आप लेंगे वो महबूब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां कबूल हो गया ये माल। सिल हिबाल मनशेद वक्ता हिबाल मनशेद, आप हमारा बिल्कुल ख्याल ना कीजिए, जिससे आप ताल्लुक तोड़ना चाहे तोड़ दीजिए, जिससे ताल्लुक जोड़ना चाहे जोड़िए। हमारे दुश्मन से आपने ताल्लुक जोड़ लिए तो वो दुश्मन नहीं, और हमारे दोस्त से आपने ताल्लुक तोड़ लिए तो वो हमारा दोस्त नहीं। आपका दोस्त हमारा दोस्त, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन। आप हमें अगर हुक्म फरमाएंगे
कि समंदर में कूद पड़ो अपने बीवी बच्चों को लेकर, तो हम सोचेंगे नहीं। हुक्म करना आपका काम है और बजा लाना हमारा काम है। हजरत मिकदाद इब्ने अस्वद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि हम कौमे मूसा की तरह नहीं है जिन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा था कि इज़ हबंत व रब्बुका फकातिला, आप अपने रब के साथ जाइए और लड़िए उनसे, और जब आप दुश्मन को जेर कर दें फिर हमें बुला लेना, हम वहां बसने के लिए आ जाएंगे। हम ऐसे नहीं है। हम कैसे हैं, हम कौन लोग हैं? हम तो वो लोग हैं जो ऐसा आपको ऐसा कहेंगे कि इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना माकुम मुकातिलून, आप अपने रब जाइए, मैदान में उतरिए, हम आपके साथ उतरेंगे। नहनु नुकातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिक, हम आपके दाएं से भी लड़ेंगे, आपके बाएं से भी लड़ेंगे, आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह उन्हें फरमाते हैं कि जंगी उहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने पीछे कर लिया। जब हालात बुरे हो गए, तीर आ रहे थे, फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आड़ में ले लिया कि कहीं कोई तीर न लग जावे। और तारीखी जुमला फरमाया, नहरी दून नहरी, तीर से आपकी गर्दन को बचाने के लिए ये अल्लाह मेरी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गर्दन हाजिर है, ये मेरा गला आपके गले से आगे, मेरे जीते हुए आपको तीर नहीं लग सकता। और बड़े वो तीर अंदाज थे हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तीर मारते थे तो कंधे के ऊपर से देखते थे कि दुश्मन को लगा कि नहीं, तो फरमाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप झांकने की कोशिश न फरमाएं, कहीं झांकने की सूरत में आपको कोई तीर न लग जाए, मेरे पीछे आप रहिए। तो इनको कितना बड़ा इनाम मिलना चाहिए था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, और मिला। और वो कौन सा मिला? अल्लाह की रिजा, अल्लाह की रिजा, इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं। जन्नत में न हूर मिले, न महल्लात मिले, न बागात मिले, न नहरें, न चश्मे, न खाने पीने की, कुछ न मिले, अल्लाह की रिजा मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। तो मकसूद जिंदगी को जहन में बिठाओ मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? रिजाए इलाही को हासिल करना। और इंशाल्लाह आज हम यहां से ये अज्म लेकर उठेंगे कि हम रिजाए इलाही को हासिल करेंगे, हम रिजाए इलाही को हासिल करेंगे, हम हमारी जिंदगी अब इसमें खर्च होगी कि रिजाए इलाही कैसे हासिल की जाती है, और फिर उन कामों को हम करेंगे जिनसे रिजाए इलाही हासिल होती है, ताकि रिजाए इलाही हमें हासिल हो जाए। ये हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज, ये नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि इससे रिजाए इलाही हासिल होती है। रोजा रखते हैं, क्यों रखते हैं? रिजाए इलाही हासिल होती है। हज क्यों करते हैं? रिजाए इलाही हासिल होती है। ये कोई मकसूद नहीं है, इनमें से कोई काम मकसूद नहीं, ये सब वसीले हैं रिजाए इलाही के, मकसूद रिजाए इलाही है। हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि न मदरसा मकसूद है, न खानकाह मकसूद है, न दावत तबलीग। न मदरसा मकसूद है, न खानकाह मकसूद है, न दावत तबलीग। और फिर आगे फरमाते थे कि कोई मेरे ऊपर फतवा न लगा दे, इसलिए कि आगे वाली बात जरा हस्ताज है, सख्त है, तो कोई गौरव फिक्र किए बगैर ही ऐसा ना कह दे कि ये शेखुल हदीस साहिब रहमतुल्लाह ने क्या बात कह दी। इसलिए फरमाया कि कोई मेरे ऊपर फतवा न लगा दे। मैं तो ये कहता हूं कि न नमाज मकसूद, न रोजा मकसूद, न जकात मकसूद, न हज मकसूद।
ये तो सब वसीले हैं। मकसूद क्या है? हजरत फरमाते हैं कि मकसूद तो सिर्फ ये है कि बंदा अल्लाह से लिपट जावे, बंदा अल्लाह से लिपट जावे, यानी बंदा अल्लाह का आशिक हो जावे और ऐसा आशिक हो जावे कि उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार कर अल्लाह को राजी कर ले। बंदे के जहन में एक ही बात रहे कि मेरा अल्लाह कैसे राजी हो जावे, मेरा अल्लाह कैसे राजी हो जावे, मेरा अल्लाह कैसे राजी हो जावे। ये जो नफ्स को राजी करने वाली जिंदगी है उसे छोड़कर अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी में आ जाए। अभी बदनजरी करते हैं, इधर उधर झांकते हैं औरतों को और औरतें मर्दों को झांकती है, क्यों? इसलिए कि उससे नफ्स राजी होता है मगर अल्लाह नाराज। मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं या खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं, क्यों? ताकि नफ्स राजी हो जाए मगर अल्लाह नाराज। फिल्मों को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, क्यों? नफ्स राजी हो जाए मगर अल्लाह नाराज। नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, क्यों? बहुत मुश्किल है, नफ्स को तकलीफ होगी। नफ्स राजी रहे मगर अल्लाह नाराज। ये हम खुद ही में पड़े हुए हैं, खुद ही, मैं मेरा नफ्स, मैं मेरा नफ्स। आपने कोई बात कह दी, मैंने आपकी बात रद्द कर दी। कोई बात कही आपने, मैंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, और आपने कहा नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूं, ऐसा हुआ था। इनसे भी पूछे, इनसे भी पूछे, ये भी वहां मौजूद थे। अब मुझे दिल में यकीन हो गया कि ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कबूल करने जाऊं कि हां मेरी गलती हो गई, माफ कीजिए, मुझे रद्द नहीं करना चाहिए था आपकी बात को तहकीक किए बगैर, तो खुद ही पर जद पड़ेगी, मैं पर जद पड़ेगी। मैं, लोग कहेंगे कि यार देखो ये गलत निकले, वो सही निकले। तो नफ्स नाराज होगा कि मेरी जिल्लत हुई, इसलिए मैं बहसो मुबाहसा में बराबर लगा रहा हूं, हालांकि मेरा दिल कह रहा है कि ये सच्चे आदमी है, लेकिन नहीं 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 आप, ये ऐसा नहीं हुआ था, मुझे इन दोनों की बात पर एतबार नहीं। क्यों भाई? नफ्स राजी रहे मगर अल्लाह नाराज। ये खुदी मेरी चाहत, मेरी क्या चाहत है, इसी को इत्तिबाए हवा कहते हैं। ख्वाहिशात के पीछे नफ्स जो चाहे वो करो, नफ्स जो चाहे वो करो, ताकि नफ्स राजी रहे, मगर जब भी नफ्स राजी रहेगा तो अल्लाह नाराज होगा। हमारा इस वक्त ये जो सिचुएशन है, जो हमारी हालत है कि बदनजरी का तकाजा पैदा हुआ, कर ली ताकि नफ्स नाराज ना हो, गीबत सुनने की ख्वाहिश हुई, गीबत सुन ली ताकि नफ्स नाराज ना हो, मूसीकी म्यूजिक गाना बजाना सुनने की चाहत हुई, हमने सुन ली इसलिए कि नफ्स नाराज ना हो। दिल जो चाहता है उसके खिलाफ करने में नफ्स नाराज होता है। नफ्स नाराज ना हो, अल्लाह नाराज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा कोई बोलता नहीं है, मगर अमलन तो यही हुआ ना। ये जो हमारी हालत है ये बुरी हालत है, इस बुरी हालत को बदलकर हमें अपनी जिंदगियों में ये हालत देखनी है कि नफ्स नाराज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मेरा अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। नफ्स नाराज हो जाए कोई हर्ज नहीं, मैं नामहरम औरत को नहीं देख सकता इसे कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। नफ्स को तकलीफ हो कोई हर्ज नहीं, मैं फिल्म नहीं देख सकता अल्लाह नाराज होगा। नफ्स को तकलीफ हो कोई हर्ज नहीं, लंबे लंबे रोजे हैं मगर रखूंगा, रमजान के रोजे हैं अगर नहीं रखूंगा अल्लाह नाराज होगा। नफ्स को तकलीफ हो कोई हर्ज नहीं, तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद मुझे खुदा पसंद, तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद तुझे खुद ही पसंद। तू इत्तिबाए हवा में पड़ा हुआ है, तू मैं में पड़ा हुआ है, तू बाह और लज्जत वाले गुनाहों में मुबतला है और जाह की फिक्र में है कि मैं बड़ा हो जाऊं। तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद मुझे खुदा पसंद। ये काम नहीं करूंगा तो अम्मी नाराज हो जाएगी, ये काम नहीं करूंगा अब्बा नाराज हो जाएंगे, ये काम करूंगा तो अल्लाह नाराज होगा। अम्मी नाराज हो जाए कोई हर्ज नहीं, अब्बा नाराज हो जाए कोई हर्ज नहीं, अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। तौहीद तो यह है कि खुदा हशर में कह दे,
तौहीद तो यह है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हजरत साद इब्ने अभी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का गालिबन वाकिया है, इस्लाम कबूल किया, वालिदा को पता चला, वालिदा नाराज हो गई, ये तुमने क्या किया, कहा कि बस कलिमा पढ़ लिया है और तुमको भी इसकी तलकीन करता हूं, तुम भी कर लो, अल्लाह राजी होगा। कुफर से अल्लाह नाराज होता है, बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, तो उन्होंने भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक। अब बेटे और मां का रिश्ता बहुत मोहब्बत वाला होता है, और साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह होता जैसे शरीफ नफ्स इंसान का, बेटा अगर तुमने इस नए मजहब को नहीं छोड़ा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, अम्मी खा लो, अम्मी खा लो, नहीं खाओ, अम्मी खा लो, अम्मी खा लो, अम्मी खा लो। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, अब तीन दिन गुजरने के बाद तो जान को खतरा होता है, तो साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि इनको उम्मीद है कि मेरे बेटे को मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि जरूर मेरा ख्याल करके मजहब को छोड़ देगा, इस उम्मीद को काट देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अम्मी से कहा कि अम्मी, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, अम्मी अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, और अल्लाह को राजी करने जाता हूं तो तुम्हारी जान खतरे में, तो दो टुक मेरी बात सुन लो, तुम जिंदा रहो या मर जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा अल्लाह राजी रहे नाराज रहे इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मैं इस कलीमे को छोड़ने वाला नहीं हूं, अब चाहे तुम खा लो या ना खाओ। नमाज मकसूद नहीं है, रोजा मकसूद नहीं है, जकात मकसूद नहीं है, हज मकसूद नहीं है, मकसूद क्या है, रिजा इलाही। इसमें शेखुल हदीस साहिब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी बात कह गए, मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूं इसलिए कि नमाजें छोड़ूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, रोजे भी रख रहा हूं इसलिए कि अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर नहीं रखूंगा तो, इसी तरह हज भी कर रहा हूं, जकात भी अदा कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ चार इबादतें मकसूद नहीं है, मकसूद रिजा इलाही है। तो इन चार कामों के करने के बाद अगर तुम म्यूजिक सुन रहे हो तो अल्लाह नाराज, तो सिर्फ ये कर लेने से काम नहीं बनेगा, मकसूद ये चार काम नहीं है, मकसूद ये है कि अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह नाराज ना हो। इस वक्त हमारा हाल क्या है कि नमाजें पढ़ रहा हूं माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे खानदान में तो कम से कम मेरे जितना नमाजी कोई नहीं है, चेहरे पर माशाल्लाह शरीर दाढ़ी है, लिबास मेरा इस्लामी, शेख से बैत, उनकी खानकाह में जाता हूं, रमजान में एतिकाफ करता हूं, दावत अल्लाह के लिए निकलता हूं अपने वतन को छोड़कर, हर रमजान उमरे के लिए जाता हूं, हर दूसरे तीसरे साल हज के लिए जाता हूं, गरीबों पर खून तकसीम कर रहा हूं, ये सारे काम बहुत मुबारक, लेकिन शैतान हमें इन कामों के नशे में मुब्तला कर देता है और हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि ये काम तो हो रहे हैं मगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी नहीं है इसलिए कि मैं बदनजर ही कर रहा हूं, इन कामों के बावजूद अभी भी मेरा अल्लाह मुझसे राजी नहीं है, क्यों राजी नहीं है, इसलिए कि मैं शराब पी रहा हूं, इन सारे कामों के बावजूद अल्लाह मुझसे राजी है इसलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गीबत कर रहा हूं, मैं गीबत सुन रहा हूं, मैं हराम कमाई घर में आने दे रहा हूं, मकसद सिर्फ नमाज नहीं, मकसद सिर्फ जकात नहीं, मकसद सिर्फ रोजा नहीं, मकसद सिर्फ हज नहीं, मकसद यह है कि जिंदगी में ऐसा कोई काम न रहे जिससे अल्लाह नाराज हो, कोई काम न रहे जिससे अल्लाह नाराज हो, मकसूद रिजा इलाही। अब आज मेरी सब माएं, सब बहनें, सब बेटियां, मेरे सब भाई, सब दोस्त अहबाब, सब मुतालिकीन जितने भी सुन रहे हैं, इसी वक्त ये तय कर लो कि इंशाल्लाह आज से मकसूद हमारा रिजाई इलाही होगा,
मकसूद खानकाह नहीं, आज से खानकाह तो एक वसीला है, जरिया है रिजा इलाही का। मकसूद मदरसा और तालीम व तालुम नहीं, तालीम व तालुम तो एक जरिया है। मकसूद दावत व तबलीग नहीं, दावत व तबलीग तो एक जरिया है। मकसूद नमाज नहीं, नमाज तो एक जरिया है। मकसूद रिजा इलाही, और रिजा इलाही आएगा पूरी इत्तिबा शरीयत से, पूरी शरीयत की इत्तिबा। तमाम फराइज को अदा करना, तमाम वाजिबात को अदा करना, तमाम हराम से बचना, तमाम मकरूहात तहरीमिया से बचना, इससे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह दावत व तबलीग से राजी नहीं होता, सिर्फ दावत व तबलीग से। अल्लाह सिर्फ खानका से राजी नहीं होता, अल्लाह सिर्फ बुखारी पढ़ाने से राजी नहीं होता, अल्लाह मुस्लिम शरीफ पढ़ाने से राजी नहीं होता, अल्लाह जिक्र अजगार से राजी नहीं होता। अल्लाह तो तब राजी होता है जब बंदा उसकी नाफरमानी से तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाए। मेरी जिंदगी गुनाहों से पाक रहे, इसलिए आज जो है हमें यहां से जाने से पहले ये अज्म करना है कि ये अल्लाह आपकी रिजा चाहिए, आपकी रिजा चाहिए, आप चाहिए मुझे तो, आप चाहिए, आपकी रिजा चाहिए, आप चाहिए। जैद अमर बकर मिले ना मिले कोई हर्ज नहीं, आप चाहिए, आप चाहिए मुझे। कोई तुझसे कुछ, कोई कुछ मांगता है, इलाही में तुझसे तलबगार तेरा। मुझे तो तू चाहिए, तेरी रिजा चाहिए। जब तू मेरा हो जाएगा और जब तेरी रिजा मुझे हासिल हो जाएगी तो तू मुझे अपना बना लेगा, मैं तेरा हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं तेरा, तू मेरा, तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरा, तू मेरा, मैं तेरा, मेरा कार तेरा, तेरा फजल मेरा। जब बंदा अल्लाह का हो जाए और अल्लाह बंदे का हो जाए तो फिर अल्लाह का हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाता है। कार काम को कहते हैं। तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरा, मेरा कार तेरा। मैं जो भी काम करता हूं तेरी मर्जी के मुताबिक, तो फिर मिलेगा क्या? तेरा फजल मेरा। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है। मेरे भाइयों, हमारी कितनी बदबख्ती है कि हम अल्लाह के होते तो नहीं मगर अल्लाह के होने की आरजू भी हमारे दिलों में पैदा नहीं होती। अल्लाह की इताअत करके अल्लाह के बनते तो नहीं मगर दिल में आरजू भी पैदा नहीं होती कि काश कि हम अल्लाह के बन जाए। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, ये अल्लाह बस इतनी मेरी आरजू है कि मैं तेरा हो जाऊं, तू मुझे अपना कह दे। पर अल्लाह अपना कब कहेगा? जब बंदा उसकी रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना, बस तमन्ना इतनी है कि मैं तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं। और तेरा होने के लिए दिल बदल दे, मेरे दिल को बदल दे। मेरा दिल इस वक्त, मेरा दिल इस वक्त इत्तिबाए हवा की तरफ जाता है, ए अल्लाह इसको इत्तिबाए शरीयत की तरफ ले आ, ताकि मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए। दिल बदल जाएगा तो ये मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, मैं तेरा हो जाऊंगा। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटू? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आना चाहिए कि नहीं कि हम ये सवाल पूछें कि कब तक मैं अल्लाह की नाफरमानी करता रहूंगा? हम 15, 16, 17 साल के बच्चे तो नहीं, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई बुढ़ापे में, कोई बच्चों वाला, कोई नवासों पोतों वाला, बालों में सफेदी आ गई,
गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता। ए अल्लाह अब तो मेरा रास्ता बदल दे, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही में तुझसे तलबगार तेरा। तुम हुए हासिल, तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं। ये अल्लाह अगर तू मेरा नहीं हुआ, मैं तेरा नहीं हुआ, तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं। हफ्त इकलीम की सल्तनत मुझे मिल जाए, 5 कॉन्टिनेंट्स की सल्तनत मुझे मिल जाए, मेरा कुछ नहीं। तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं। तुम हुए हासिल, मैं तेरा हो जाऊं तू मेरा हो जावे, मैं इत्तिबाए शरीयत के जरिए तुझे राजी कर लूं और तू मुझे अपना बना ले, तो सब हासिल हुए, सब कुछ। तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। और जब अल्लाह मिल गया मेरे भाई अल्लाह, तो इस रुए जमीन पर मुस्लिम उम्मत जिन जिन मसाइल से दो चार है, इन मसाइल के दूर होने के लिए फिर चंद लम्हात की जरूरत है। जैसे कि अल्लाह हमारा हो गया, अल्लाह, हमने इत्तिबाए हवा को छोड़ा, अपने नफ्स की चाहतों को छोड़ा, अपने नफ्स को राजी करने का जो एक कल्चर था उसे छोड़ा, और उसे छोड़कर इत्तिबाए शरीयत पर आ गए, अल्लाह की रिजा को ढूंढने की तरफ आ गए। अल्लाह की रिजा चाहिए मुझे, तो अल्लाह की रिजा चाहिए। देखो मेरे भाइयों, इस पर जरा तवज्जो कीजिए आप, मैं जिस मजमून को बयान कर रहा हूं। अल्लाह चाहिए हमें, अल्लाह की रिजा चाहिए, और अल्लाह की रिजा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नफ्स की जो रिजा है ना उसे कुचलना पड़ेगा, और नफ्स की रिजा को, नफ्स की चाहतों को कुचल कर, ख्वाहिशात नफसानी को कुचल कर अल्लाह की रिजा वाले काम करने पड़ेंगे। जब तक नफ्स की रिजा वाले कामों में पड़े रहेंगे, अल्लाह से ताल्लुक तो किया, अल्लाह का पता ही नहीं चलेगा, बस अल्लाह का नाम जुबान पर होगा कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह समी है, अल्लाह खालिक कायनात है, वही जिलाता है, वही मारता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत, बस एक जुबान पर होगा, अल्लाह का पता नहीं होगा। जब तक नफसानी चाहतों में पड़े रहेंगे, नफसानी चाहत खुदी, जब तक अपने जहन और ख्यालात में जो बातें आ रही है उसी में पड़े रहेंगे, तो रब का पता नहीं चलेगा। और जब रब को पहचान लेगा तो खुद को भूल जाएगा। खुद को भूल जाने का क्या मतलब, फिर जिंदगी का एक एक कदम अल्लाह के लिए उठेगा, अपने लिए नहीं। फिर इत्तिबाए नफ्स नहीं होगा, इत्तिबाए हवा नहीं होगा, फिर गुनाहों की लज्जत की तरफ नहीं जाएगा। जब तक पता था अपना, रब का पता न था। जब तक पता था अपना, रब का पता न था। जब तक अपने मैं कुछ हूं और मैं ये करना चाहता हूं, लिहाजा मैं यही करूंगा, ये मैं, ये पता था, इसी में सुबह से शाम तक की जिंदगी गुजरती थी, रब का पता न था। रब क्या चाहता है, रब कौन है, रब की कुदरत का क्या माना है, रब के अलीम व समी व बसीर होने का क्या माना है, रब के खालिक कायनात होने का क्या माना है, रब के रहीम व रहमान और गफूर होने का क्या माना है, कुछ पता नहीं। रब की जन्नत क्या है, रब की जहन्नम क्या है, रब का हिसाब किताब क्या है, कुछ पता नहीं। जब तक पता था अपना, रब का पता न था। रब का पता चला तो
अब इस जिंदगी को छोड़कर इधर आ गई। रब का पता चला तो अपना पता नहीं। जब तक पता था अपना, रब का पता न था। जब तक इत्तिबाए हवा में पड़े रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह की रजा हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह को पहचान नहीं सकते। और जब अल्लाह को पहचानेंगे और रब का पता चलेगा तो अपना पता नहीं, अब हम है ही नहीं। हम इसलिए ये जो अभी इत्तिबाए हवा का कल्चर है उसे हमें अपनी जिंदगी से निकालना है और इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए शरीयत पर आना है। अपनी मर्जी को कुर्बान करके रब की मर्जी पे आना है, मनमानी को छोड़ के रब मानी पे आना है, इससे अल्लाह राजी होता है। और ये जो रब मानी छोड़कर, मनमानी छोड़कर रब मानी पे आते हैं, इत्तिबाए हवा और इत्तिबाए नफ्स को छोड़कर इत्तिबाए शरीयत की तरफ आते हैं, नफ्स की खुशनुदी को छोड़कर अल्लाह की खुशनुदी पे आ जाते हैं, इसी का नाम तज़किया है, इसी का नाम तज़किया है, इसी का नाम इस्लाही नफ्स है। जब तक तज़किया नहीं होगा, जब तक इस्लाही नफ्स नहीं होगी, उस वक्त तक इंसान अपने रफ्स की निजामे रिजा में जिंदगी गुजारेगा, इत्तिबाए हवा में जिंदगी गुजारेगा। वो अच्छा काम करेगा तो भी इत्तिबाए हवा, वो जिना करता है तो भी इत्तिबाए हवा, शराब पीता है तो भी इत्तिबाए हवा, और अगर नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, तालीम व ताल्लुम में मशगूल होता है, वाजो नसीहत में, दावत व तबलीग में मशगूल होता है, उसमें भी इत्तिबाए हवा। क्यों? इसलिए कि ये सारे काम भी बड़ा बनने के लिए करता है, वाह वाह के लिए करता है, शोहरत के लिए करता है। तज़किया हो गया, तज़किया हो गया, तज़किया हो गया, तो तज़किया होने के बाद अब हर काम इत्तिबाई शरीयत के मुताबिक होगा, हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक होगा। गुनाह तो करेगा ही नहीं, मगर जो दुनियावी काम करेगा ना, खाएगा पिएगा, उसमें भी रजा इलाही होगी। इसलिए कि अब वो इस नियत से खाएगा कि मैं इसलिए खा रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, ये जिस्म मेरा नहीं है, अल्लाह का है, इसे ठीक रखने के लिए मुझे खाना पड़ेगा। मैं रोजाना 2-3 महीने के लिए रोजा नहीं रख सकता, ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। अब वो सोएगा तो इस नियत से सोएगा कि इस बदन की मुझे हिफाजत करनी है, और बदन की हिफाजत के लिए नींद की भी जरूरत है, तो मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए सो रहा हूं। वो ऐसा सोचेगा कि मैं इसलिए खा रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना खाते थे, मैं इसलिए सोने जा रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोते थे। अब ये दुनियावी काम भी क्या हो जाएंगे? इबादत हो जाएंगे। ये जो हमारी बुरी हालत है, इस वक्त हम नफ्स के गुलाम हो गए हैं। हमारा नफ्स नफ्से अम्मारा है, इस नफ्स की गुलामी से निकलना है, नफ्स को अच्छा बनाना है, इसे नफ्से मुतमईना बनाना है, और इस गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी में आना है, नफ्स की स्लेवरी से निकलकर अल्लाह की स्लेवरी में आना है, नफ्स की गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी में आना है, इसी का नाम तज़किया है। और बैयत किसी शेख से इसीलिए होते हैं, बैयत इसलिए होते हैं कि हमारे दिल का तज़किया हो जाए, बैयत इसलिए होते हैं कि हमारे दिल की इसलाह हो जाए, बैयत इसलिए होते हैं कि शेख की रहनुमाई में, हमारे पीर की रहनुमाई में चलकर ये जो हमारा नफ्स नफ्से अम्मारा हो गया है उसे हम नफ्से मुतमईना बना लें। ये हमारा नफ्स जो बिल्कुल नीचे रजील बन करके गिरा हुआ है और इत्तिबाए हवा की तरफ हर वक्त ले जाता है, उसे जरा तरबियत करके सियाना बनाए, होशियार बनाए, नफ्से मुतमईना बनाए, ताकि वो इत्तिबाए हवा के बजाय इत्तिबाए शरीयत की तरफ ले जाए। ये जो प्रोसेस है इसका नाम है तज़किया, और तज़किया के लिए शेख की जरूरत पड़ती है।
दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो उस्ताद के बगैर हो सकता है। आपको कारपेंटर बनना हो तो उस्ताद की जरूरत है, उस्ताद की जरूरत है। किताबें पढ़ पढ़ कर कोई कारपेंटर नहीं बन जाता। और अगर किताबें पढ़कर कोई कारपेंटर बन जाए तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, ये भी तो उस्ताद ही है, उस्ताद चाहिए। मगर सही परफेक्ट कारपेंटर बनने के लिए किसी कारपेंटर के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर हजरात है, जब अपनी मेडिसिन का कोर्स पूरा कर लेते हैं तब ये डॉक्टर नहीं होते, पास हो जाते हैं, 4 साल 5 साल पढ़कर पास हो जाते हैं, मगर फिर भी इनको डॉक्टरी करने का इख्तियार नहीं होता। इनको 1-2 साल हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टरों की मातहती में गुजारने पड़ते हैं, तब जाकर के उनको अथॉरिटी मिलती है कि हाँ अब आप कामिल हो गए, अब आप प्रैक्टिस करो। दुनिया के जितने काम हैं उन सब कामों के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है, इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। तो मेरे भाई इस काम के लिए, जो कि बहुत ऊंचा काम है, बहुत आला काम है और फिर बहुत ही पोशीदा और मख्फी काम है, इसलिए कि शैतान के साथ डील करना है, नफ्स के साथ डील करना है, ये दो हिडन दुश्मन है, ये पैंतरे बदलते रहते हैं, हमें धोखा देते हैं, मकर से काम लेते हैं, तो इनके साथ डील करने के लिए भी किसी शेख की रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। ये उस्ताद, ये शेख, इसी को पीर कहते हैं। तो किसी को शेख बनाओ, किसी को अपना पीर मुंतखब करो, और ये पीर जो है, पीर उसको मुंतखब करके अपने आप को उसके हवाले करो, उसके हवाले करो, और वो जो इंस्ट्रक्शंस दे, वो जो तरीका बतलाए, उस तरीके के मुताबिक चलो, तो इंशाल्लाह इस्लाह होगी, इंशाल्लाह इस्लाह होगी। इत्तिबाए हवा से निकलेगा और इत्तिबाए शरीयत की तरफ आएगा, नफ्स को राजी करने के चक्कर को छोड़ देगा और अल्लाह को राजी करने की फिक्र करेगा। अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी किसको कहते हैं? जो नफ्स की इत्तिबा नहीं करता, जो अल्लाह की इत्तिबा करता है, अल्लाह के अहकाम की इत्तिबा करता है। इत्तकुल्लाह, मुत्तकी बन जाओ, इत्तिबाए हवा से निकलो, इत्तिबाए हवा से निकलो, कुफ्र छोड़ दो और ईमान की तरफ आ जाओ, शिर्क छोड़ दो, तौहीद की तरफ आ जाओ, और मासियतों को छोड़ दो और अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आ जाओ। इत्तकुल्लाह, इत्तिबाए हवा को छोड़कर इत्तिबाए शरीयत की तरफ आओ ताकि तुम्हें अल्लाह की रिजा मिल जाए। और ये कैसे होगा? वह कुनु मअस्सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ रहने से होगा। वह कुनु मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। सच्चे कौन है? उलाइकल लजीन सदकु व उलाइक हुमुल मुत्तकून, वो जिनके पास तकवा है। तकवे वालों के साथ रहो, किसी को अपना शेख बनाओ, शेख बना करके उसकी सोहबत में बार बार जाओ, उसके पास बैठो, उसकी बातों को सुनो, उसकी बातों को सुनकर उस पर अमल करो। तो तरतीब यह है कि वकूनु मासादिकीन, अल्लाह वालों के साथ आप ताल्लुक रखेंगे तो आपकी जिंदगी में तकवा आएगा, आप इत्तिबाए शरीयत वाले बन जाएंगे, और इत्तिबाए शरीयत वाले अगर बन गए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपके ईमान की मौत के वक्त भी हिफाजत रहेगी। तो अल्लाह ताला शानहू बहुत प्यार से फरमाते हैं, ये कोई डराना धमकाना नहीं है, बहुत प्यार से कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ऐसा ही है जैसा कि एक बच्चा हिफ्ज़े कुरान खत्म करे तो हिफ्ज़े कुरान के जलसे में वो मेहमान खुसूसी उससे कहेंगे कि बेटा हाफिज तो हो गए तुम, हाफिज साहिब, मगर ख्याल रखना
बेटा मौत तक अब इसे महफूज रखना। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान तो तुमने कबूल कर लिया, सबसे बड़ी दौलत मिल गई, मगर इसकी हिफाजत करना, और हिफाजत करने का रास्ता ही बता रहा हूं, इत्तकुल्ला, इत्तिबाए हवा से बचना और इत्तिबाए शरीयत करना, गुनाहों से बचना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, नाजायज कामों से बचना, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना, तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। और उसके बाद फिर सवाल यह कि अल्लाह, ये बड़ा मुश्किल काम है कि इत्तिबाए हवा को छोड़कर इत्तिबाए शरीयत की तरफ आए, नफ्स की रजामंदी को छोड़कर अल्लाह की रजा की तरफ आए, करना तो चाहते हैं मगर बहुत मुश्किल है, कैसे करें? कि वकुनु मास सादिकिन, उन लोगों के साथ बैठो जिनके पास तकवा है। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि जिस किस्म की खसलत वालों के साथ बैठता है वो खसलतें उसमें मुंतकिल होती है। हजरत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, और मैंने कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी हजरत मौलाना अब्दुल्ला कापुदरवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि हजरत बानवी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे, तो दोनों के ये मलफूज हैं। वो फरमाते थे कि कबाब चाहिए तो कहां जाते हो? कबाब वाले के पास। मछली चाहिए तो कहां जाते हो? मछली वाले के पास। सब्जी चाहिए तो कहां जाते हो? सब्जी वाले के पास। तो अल्लाह चाहिए तो अल्लाह वालों के पास जाओ, तकवा चाहिए तो तकवे वालों के पास जाओ, सलाह चाहिए तो सलाह वालों के पास जाओ, दीनदारी चाहिए तो दीनदारी वालों के पास जाओ, इत्तिबाए शरीयत चाहिए तो इत्तिबाए शरीयत वालों के पास जाओ। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद, और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ये दुनिया मेरे भाइयों चंद रोजा है, ये दुनिया की मस्ती देर तक रहती नहीं, दुनिया की मस्ती देर तक रहती नहीं। आज का धोखा कल वबाल बनकर आएगा, आज का झूठ कल वबाल बनकर आएगा, आज की शरारत कल वबाल बनकर आएगी, आज की नाफरमानी कल वबाल बनकर आएगी। अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, न कुछ मालो दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, उम्र खत्म होती चली जा रही है, हर सेकंड हमें दुनिया से दूर और कब्र से करीब लेके जा रहा है, और हम मस्ती में पड़े हुए हैं, खुद को धोखे में डाले हुए हैं, तस्वीर में मुब्तला है कि कल 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 कल, गुनाहों में पड़े हुए हैं, झूठ फरेब में पड़े हुए हैं, दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं मेरे भाई। इसलिए हमें इस्लाह की फिक्र करनी है, इस्लाह की फिक्र करनी है। वकुनु माल सादिकीन, सादिकीन का माना वकुनु माल मुत्तकीन, तकवे वालों के साथ रहना है। तकवे वालों के साथ रहना है, हमें तकवे वालों के साथ रहना है, सच्चों के साथ रहना है, तकवे वालों के साथ रहना है, तो हमारी जिंदगी में भी तकवा आएगा, हमारी जिंदगी से इत्तिबाई हवा दूर होगी, हमारी जिंदगी में इत्तिबाई शरीयत आएगी। और कितना रहना है तकवे वालों के साथ? एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए, कभी कभार आ गए? नहीं। वकूनु माल सादिकीन, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर फरमाते हैं, वकूनु माल सादिकीन ऐ तो खालितुहुम, तुम सच्चों के साथ रहो, तुम मुत्तकी लोगों के साथ रहो, उनकी सोहबत में रहो, अपना ताल्लुक उनसे जोड़ो। इसका क्या माना? ताल्लुक जोड़ लिया, बैत हो गए, हो गया मामला, बैत हो गए, हफ्ते में एक मरतबा आ गए, महीने में एक मरतबा आ गए, नहीं तो खा लेतू हूं, उनके साथ घुल मिल जाओ।
अल्लाह वाले से फायदा कब पहुंचेगा, जब उसके साथ घुल मिल जाएंगे, वो हमारे दिल में उतर जाए और हम उसके दिल में उतर जाए। पहले वो हमारे दिल में उतरे, हमारे दिल में उतरेगा तो हम उसकी मंशा के मुताबिक चलेंगे, जब हम उसकी मंशा के मुताबिक चलेंगे तो हम उसके दिल में उतर जाएंगे। यह है घुल मिल जाना। तो खाली तू हो उनके साथ घुल मिल जाओ, तुम भी बैठे बैठे उसका सोचते रहो कि कब मैं शेख के पास जाऊं, कब मैं मुलाकात करूं, कब उनकी मजलिस से इस्तीफादा करूं, और वो भी बैठे बैठे सोचे कि कब आएगा वो, कब आएगा वो, कब आएगा वो। सिंध में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत हम्मादुल्लाह हलेजवी रहमतुल्लाह अली, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हजरत बिन्नूरी रहमतुल्लाह अली भी उनकी सोहबत में गए हैं, उनसे उनकी बरकात लेने के लिए, उनसे इस्तीफादा करने के लिए सफर करके मुस्तकिल गए हैं। बड़े साहेब इल्म बुजुर्ग थे, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग, लोगों का हुजूम रहता था वहां। ये शेख हम्मादुल्लाह हलेजवी रहमतुल्लाह अली अपनी बस्ती में रहते थे, इमामत कराते थे और छुट्टी लेकर के अपने शेख के पास भी जाया करते थे, अपने शेख के पास जाया करते थे। तो मैंने हजरत की हालत में पढ़ा कि हजरत खुद फरमाते थे अपने मुरीदों को तरगीब देने के लिए कि जब भी मैं गया अपने हजरत के पास तो इमामत से छुट्टी लेकर गया, एक हफ्ते की, दो हफ्ते की, लेकिन मैं इस नीयत से जाता था कि वहां जाने के बाद उस वक्त तक हजरत से ये अर्ज नहीं करना है कि हजरत मुझे जाने की इजाजत है, जब तक हजरत खुद न कहे कि आप जाइए। हमारा हाल तो यह है कि महीने में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा आना है प्रोग्राम में, वो भी पूरे साल में 10 महीने होते हैं, 10 प्रोग्राम होते हैं। 10 प्रोग्राम में हर शख्स गौर करे कि 10 प्रोग्राम में से कितने प्रोग्राम में गैरहाजिरी रही है। नंबर दो, आते हैं तो कब आते हैं? बयान के वक्त आते हैं और वापस मुलाकात किए बगैर ही चले गए। हाजिरी पुराने के लिए आते हैं ना, हम हाजिरी पुराने के लिए आते हैं कि हम भी आए थे। बयान के दौरान देख ही लिया होगा कि मैं आया हूं, और नहीं तो टैक्स कर देंगे कि चूंकि मेरे साथ और कोई था इस वजह से मुझे चले जाना पड़ा। तो यहां आने से पहले सोचते नहीं कि वहां हम क्यों जा रहे हैं और वहां प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इन प्रोग्रामों में क्या क्या हो रहा है। तो मैं वहां जा रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए, अपने फायदे के लिए, तो मुझे कम से कम उतना वक्त तो लेकर जाना चाहिए। और अगर मेरे साथ कोई ऐसा कहे कि मैं फुला वक्त चला जाऊंगा तो उसे कह दीजिए कि फिर आप मेरी गाड़ी में नहीं आ सकते, आप अपने वालिद को हीथ्रो एयरपोर्ट पे लेने के लिए जा रहे हैं और वालिद साहब उतर रहे हैं 7 बजे, और एक शख्स आपके पास है कि आप हीथ्रो एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप सुना, जी हां जा रहे हैं, तो कि मैं भी आना चाहता हूं, जरूर आइए, लेकिन 6:30 बजे वापस हो जाएंगे, 6:30 बजे वापस हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं भाई, मेरे अब्बा 7 बजे आ रहे हैं, मैं तो उनको लेने के लिए जा रहा हूं, इसलिए तुमसे अगर 8, 8:30, 9 बजे तक इंतजार होता हो तो रहिए, आइए, वरना नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। लेकिन इत्तिबाए हवा, नफ्स के लिए यहां आना मुश्किल। तो जितना कम वक्त हमारा गुजरे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके भाग जाओ ना भाई, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके भाग जाओ। और मुरीद सारे मशगूल, शेख ही बेचारा एक फारिग है, उसका कोई काम नहीं, शेख का कोई काम नहीं, मुरीद सारे मशगूल। इसलिए मुरीद को 24 घंटे अपने आप को महबूस कर रखना पड़ता है हर महीने। अहम से अहम काम हो, किसी करीब से करीब रिश्तेदार की शादी भी हो,
तो शेख को कहना पड़ता है कि मैं नहीं आ सकता इसलिए कि ये मेरा फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ है और मेरे यहां मेहमान आएंगे। लेकिन है मुरीद, शादी है, मेहमान आ रहे हैं, फुना है, फुना है, फुना है, वकूनु मासादिकीन। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम क्या फरमाते हैं, खालितुहुम, बुजुर्गों के पास रहो, अहलुल्लाह के पास रहो, अपने मशाइख के पास रहो। रहने का मतलब यह है कि इस तरह रहो कि उनके साथ घुल मिल जाओ, वो तुम्हारे दिल में उतर जाए, तुम उनके दिल में उतर जाओ। हजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की तजल्लियात तुम पर उतरे, अल्लाह की रहमतें तुम पर उतरे, तो बहुत आसान तरीका है। क्या है? अपने शेख के साथ इस तरह रहो कि तुम उसके महबूब हो जाओ, तुम उसके दिल में उतर जाओ। शेख का दिल तजल्लियाते इलाही का मौरिद होता है, अल्लाह की रहमतों का मौरिद होता है। अगर आप शेख के दिल में उतर गए तो आप तजल्लियात के मौरिद बन गए, आप रहमतों के मौरिद बन गए। लेकिन आज शेख के साथ ताल्लुक किसको होता है? इल्ला माशा अल्लाह। हर जगह पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्रॉब्लम, शेख हमारे लिए खून पसीने को एक करता है, शबो रोज को एक करता है, हमारी वजह से शब्बेदारियां करता है, खाना आगे पीछे कर देता है हमारी खातिर। ऐसा मुरीद को तो सोचना चाहिए ना कि हमारी खातिर दिल और कलेजा निकाल के रख देता है कि किसी तरह ताल्लुक मा अल्लाह नसीब हो जाए, किसी तरह ताल्लुक मा अल्लाह नसीब हो जाए। मगर हम हैं कि इत्तिबाए हवा के शिकार, हम अपने कन्वीनियंस को देखकर सारे मुआमलात करते हैं। कन्वीनियंस को देखना यही तो इत्तिबाए हवा है। और नफ्स और शैतान कभी नहीं चाहते कि कोई अपने शेख के ताबे हो जाए, इसलिए कि शेख के ताबे होगा बशर्ते कि वो शेख सहीउल अकीदा और मुत्तबे सुन्नत और मुत्तबे शरीयत हो। शेख कभी दोनों नहीं चाहते इसलिए कि उनको पता है कि अगर ये ताबे हो गया तो फिर हम दोनों की खैर नहीं है, हम दोनों की खैर नहीं, फिर हम इसे फुसला नहीं सकेंगे। वो उसी की मानेगा और वो सही बात बतलाएगा इसको। तो फरमाते हैं कि मैं जाता था और दिल में क्या नीयत लेकर जाता था कि ये नीयत कि दो हफ्ते के लिए छुट्टी ली है तो दो हफ्ते के लिए जा रहा हूं, लेकिन अगर हजरत मुझे कह देंगे तो मैं रुक भी जाऊंगा। ना, मैं इस नीयत को लेकर के जाता था कि छुट्टी तो मुझे जितनी मिली मिली, मगर वापस तब आऊंगा जो हजरत कहेंगे। और जब मैं जाता था तो कभी कभी हजरत पूछते थे कि कब तक का इरादा है, हजरत जब तक आप फरमाए, और कभी कभी पूछते ही नहीं थे। और ऐसी भी नौबत आई कि गया था दो हफ्ते के लिए और तीन तीन और चार चार महीने गुजर गए और शेख ने कुछ नहीं कहा और हम भी खामोशी से बैठे रहे। फिर शेख ने कहा कि अब आप जाइए। जब शेख ने कहा जाइए तब हम गए। खालितु हूं, शेख के साथ घुल मिल जाओ, घुल मिल जाओ। जब शेख के साथ घुल मिल जाता है तो क्या होता है? अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि शेख के साथ घुल मिल जाओ, ले तकूनू मिसलहुम, ताकि तुम भी उस जैसे हो जाओ। घुल मिल होने से तुम उस जैसे हो जाओ। तो ये जो शेख की सोहबत इख्तियार करनी है वो इसलिए कि हम भी शेख जैसे हो जाएं। तो अगर हमारा शेख के पास आना जाना है, हमारा शेख के साथ ताल्लुक है, मगर हमारी जिंदगी में शेख की खसलतें आदतें नहीं आ रही हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा वहां जाना सही तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम शेख के साथ घुल मिल जाओ, ले तकूनू मिस्तहुम, ताकि तुम शेख जैसे हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छी नीयत से, अच्छी नीयत से जो भी नेक सोहबत में जाएगा उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। मैं नहीं कहता कि फायदा नहीं होगा, कामिल फायदा नहीं होगा। जिक्रुल्लाह ध्यान के साथ करो, बगैर ध्यान से करो, फायदा जरूर होगा,
लेकिन ध्यान के साथ करेंगे, कसरत जिक्र करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो हम कौन सा फायदा चाहते हैं, थोड़ा बहुत जो मिल गया वो, या कामिल फायदा चाहते हैं? कामिल फायदा चाहते हैं। कामिल फायदा चाहते हैं तो खालितुहुम पर अमल करना पड़ेगा, घुल मिल जाना पड़ेगा शेख के साथ, घुल मिल जाना पड़ेगा, और वो भी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, दिल साफ करके, दिल में गुबार लेकर नहीं। ये दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है। अगर मुरीद के दिल में गुबार है और शेख का दिल साफ है फिर भी फायदा नहीं, और अगर मुरीद का दिल साफ है और शेख के दिल में गुबार है फिर भी फायदा नहीं। दोनों के दिलों का साफ सुथरा होना जरूरी है। इसीलिए हमारे मशाइख इस बात का बहुत एहतमाम करते थे कि शेख को थोड़ी सी भी गलतफहमी पैदा हो जाती थी तो फौरन दौड़ जाते थे, चले जाते थे और माफी मांग लेते थे। अरबाब मारिफत ने लिखा है कि एक शख्स जब विलायत के मकाम पर पहुंच जाए, साहिब निस्बत हो जावे, उसे सिफत एहसान हासिल हो जावे, तज़किया उसका हो जावे, अंता बुदल्लाह कान का तराहु फैलम तकुन तराहु फैनहु यराक के मकाम पर पहुंच जावे, उसके बाद सिर्फ दो चीजें उसको पस्ती की तरफ ले जा सकती है विलायत के मकाम पर पहुंचने के बाद। दो चीजें, नंबर एक गुनाह कबीरा और नंबर दो शेख का तकद्दुर। यानी विलायत के मकाम पर पहुंचने के बाद अगर किसी ने गुनाह कबीरा किया तो वो निस्बत छीन ली जाती है, विलायत छीन ली जाती है। इसी तरह शेख का अगर तकद्दुर आ गया वो निस्बत छीन ली जाती है। ये वो बातें हैं जो बकसरत आप मुझसे सुनते नहीं, बल्कि बिल्कुल सुनते नहीं, इसलिए कि आप में से बहुत से लोगों का मुझसे इस्लाह का ताल्लुक है, रूहानी ताल्लुक है, इसलिए इस किस्म की बातें कहने में मुझे जरा हया आती है, मुझे शर्म आती है। मैं तो उस दर्जे का आदमी नहीं हूं, अल्लाह ताला शान हो आप हजरत के हुस्ने जन को कबूल फरमाए, लेकिन आपने मुझे शेख बनाया है तो मैं आपका फिर शेख हूं। बाप शराबी हो, बाप कबाबी हो, लेकिन बाप बाप होता है, बेटे के हक में उसकी दुआ भी कबूल होती है, बददुआ भी कबूल होती है। शेख जैसा भी हो आपने उसे शेख बनाया है, वो आपका शेख है। इसलिए मेरे भाई एक काम हमें क्या करना है, शेख को तलाश करना है, शेख को ढूंढो, जल्दी मत करो इस सिलसिले में। जहां दिल लगे वहां एक मरतबा जाओ, दो मरतबा जाओ, तीन मरतबा जाओ, अगर आते जाते रहे हैं किसी के यहां और दिल में लगता है कि ये, तो फिर देर मत करो, फिर दरखास्त करो कि मुझे आप बैत फरमा दें, जहां कहीं आपका दिल है बैत हो जाओ। बैत होने से पूरे सिलसिले की बरकतें मिलती हैं। उस सिलसिले के जितने मशाइख होते हैं और इन मशाइख में से सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैहि, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, इन हजरत ने तो ये लिखा है कि बैयत का सिलसिला जो है वो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से चला आ रहा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की थी वो बैयत खिलाफत भी थी और बैयत इरादत भी थी। हजरत शेखुल हदीस फरमाते हैं, शाह वली से मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुलूक का काम कोई बाद में शुरू नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जमाने में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से बैत लेते थे। किस बात पर बैत लेते थे? गुनाहों से बचने पर, कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और आमाले सालिहा को करने पर कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो गुनाहों से बचने पर और आमाले सालिहा को इख्तियार करने पर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लिया करते थे। हजरत जब तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने और उनके हाथ पर सबने बैयत की तो बैयत खिलाफत भी थी और बैयत इरादत भी थी। उनके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह उनके हाथ पर बैयत हुई तो बैयत इरादत भी थी, बैयत खिलाफत भी थी। फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। इसी वजह से इस वक्त जो दुनिया में सलासिल हैं, हमारे हिंदू पाक में जो चार सलासिल मशहूर है,
चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया और कादरिया, ये चारों सिलसिले जो है इनमें से कोई सिलसिला पहुंचता है हजरत सिद्दीक तक तो दूसरा पहुंचता है हजरत अली तक। बैयत की बहुत बरकतें होती है, बैयत होते हैं तो इंसान जो है वो महसूस करता है फैज को। कैसे फैज को महसूस करता है? फैज को महसूस करता है कि इस्लाह की फिक्र पैदा हो जाती है। बैयत होने के बाद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल ऐसे गुजरते हैं कि कुछ नहीं करता। ऐसे भी होते हैं मामूलात, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बात है कि इस्लाह की फिक्र रहती है। तो कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं कि बैयत होने से पहले कहीं ऐसा कहने के लिए जाते थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है? बैयत का यही तो फायदा हुआ कि बंदर तड़प है कि मैं अपने अल्लाह को पाना चाहता हूं। और ऐसे लोग भी होते हैं कि ओवरनाइट तिलावत का कोई एहतमाम नहीं, बैयत हुए कि 3 पारे शुरू हो गए रोजाना हाफिज कुरान। यहां एक मौलाना साहिब बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, दिल के करीब रहते हैं, आलिम दीन, बैयत हुए, बैयत होने के बाद उन्होंने शव्वाल के 6 रोजे रखे और मुझसे कहा कि आलिम हुए 30 साल हो गए और किताबें पढ़े 30-40 साल हो गए, कभी शव्वाल के 6 रोजे रखने का ख्याल नहीं आया, बैत होने के बाद शव्वाल में 6 रोजे रखने की तौफीक मिल गई। क्यों भाई? इसलिए कि बरकत है, फैज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त इस सिलसिले से शेख दर शेख दर शेख दर शेख होकर अपने शेख से पहुंचता है। और हमें फैज मिल रहा है या नहीं उसकी उसका पता कैसे चलेगा? यही पता चलेगा कि फिक्र कि यार मुझसे मामूलात नहीं हो रहे हैं, मुझसे मामूलात नहीं हो रहे हैं, मुझसे मामूलात नहीं हो रहे हैं। मामूलात होने शुरू हो गए, मामूलात नहीं हो रहे हैं मगर फिक्र है, ये भी शेख का फैज मिल रहा है। और फिर मामूलात शुरू होंगे, एक वक्त आएगा मामूलात शुरू हो गए, ये भी शेख का फैज है। हसद नहीं जा रहा है मगर हसद है, हसद है, कब जान छोड़ेगा, कब, ये शेख का फैज है। तिलावत नहीं करता हूं लेकिन नहीं नहीं, अब इस मरतबा तो बस बहुत हो गया, इंशाल्लाह घर जाने के बाद अब रोजाना 1 सिपारा पढ़ना है, आधा सिपारा पढ़ना है। ये फैज में ये दलील है। अपने उयूब नजर आते हैं, बुराइयां नजर आती है, उन बुराइयों को दूर करने की चाहत होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की चाहत, वली बनने की चाहत, ये फैज है। मैंने अपने हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैहि से सुना कि हजरत मसीह उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे कि फैजान शेख बस सूरत हिम्मत नजर आता है। जो हिम्मत मिलती है ना कि तहज्जुद के लिए चलो उठ जाते हैं, जिक्र कर लेते हैं, ये इससे पता चला कि शेख का फैज मिल रहा है। और सोहबत साले और सोहबत कामिल का इतना असर है, इतना असर है कि यूं तो ऐसा कहा जाता है कि भाई देखो तलब लेकर आओ तो फायदा होगा, तलब लेकर आओ, तलब लेकर आओ, तलब लेकर आओ, तो फिर बेतलब का गया। कोई मुरीद कहता है कि बेटा बिगड़ गया है, शराब पीता है, ये करता है, वो बेतलब का किया। इसलिए कि शेख से तो फायदा तब होगा जब तलब होगी, तो तलब कहां से आए? तो तलब भी सोहबत साले ही से आएगी। तलब लेकर आओ तो ऊपर वाला फायदा होगा, और तलब तक पहुंचाना हो तो भी बेतलब को भी लाओ किसी अल्लाह वाले की सोहबत में, तो तलब भी पैदा होगी। इसीलिए लोग फोन करते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ गया है, बहुत जिद्दी हो गया है, घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता है और हमें बहुत खतरा है, क्या करें? तो मैं उनसे कहता हूं कि लड़ो झगड़ो मत उसको, जो कर रहा है करने दो, कुछ मत करो, बस उसको ऐसा कहो कि भाई तुझे जो करना हो कर मगर एक हमारी बात भी तो मान ले। और आपके इलाके में जिस मस्जिद में जिस मौलाना साहिब और इमाम साहिब के बारे में आपका हुस्न जन हो गई है, कुछ नेक आदमी और अल्लाह वाला मालूम हो रहा है और उसका दर्स हो रहा है, तो उसको कहो कि इस दर्स में मेरे साथ तू आया कर, उसको उसकी मजलिस में बिठाओ, फिर 6 महीने के बाद देखो उसका दिल पिघलता है। लोग लाते हैं बिगड़े हुए को, लाते हैं कि कुछ नसीहत करो,
तो ये डॉक्टर हजरत बहुत सारे बैठे हुए हैं यहां, बीमारियों से भरा हुआ आदमी है और आप कहें कि भाई इसका कुछ करो एक ही मजलिस के अंदर समझा करके इसको, और डॉक्टर कहेगा कि भाई ये तो न्यूमोनिया हो गया है, इसे हॉस्पिटल में दाखिल करो, यहां देर लगेगी जरा। तो लोग कहते कि नसीहत करो, भाई ये नसीहत का मरीज नहीं है, ये सोहबत का मरीज है, इसको बिठाओ सोहबत में बिठाओ किसी को। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो भाई सोहबत, अगर सोहबत का एहतिमाम किया तो इंशाल्लाह जिंदगी में तब्दीली आएगी। मैं, मुझे ये दुख नहीं होता, मैं, आप सब हजरात ने मुझे सालह साल से देखा है, मैं वो मजमो वाला मौलवी नहीं हूं कि मुझे बड़ा मजमा चाहिए, कॉन्फ्रेंस वाला मौलवी नहीं हूं, हाई प्रोफाइल वाला मौलवी नहीं हूं, ये सारे काम मजबूरन करने पड़ते हैं, बुजुर्गों का हुक्म भी है, बुजुर्गों की तरफ से ताकीद भी है। मुझे तो मेरे हजरत रहमतुल्लाह ने इजाजत दी, और उसके बाद फिर आखिरी सफर में हजरत जब यहां तशरीफ लाए तो मैंने हजरत की वजह से लेस्टर के तमाम उलमा का प्रोग्राम रखा, और हमारी इस्लामिक दावा एकेडमी की बोर्डिंग में, कि तलबा को मालूम है कि वो डाइनिंग हॉल है, उसमें तमाम उलमा का प्रोग्राम रखा, तो हजरत ने बयान के दौरान, उलमा के सामने बयान के दौरान कहा कि मैंने इनको इजाजत दी है मगर मुझे दुख है कि ये काम नहीं कर रहा है। हजरत तो मुझे कहते थे कि भाई काम करो, सुलूक का काम करो, और मैं कहता था कि हजरत, जब हजरत ने मुझे इजाजत दी तो मैंने हजरत से कहा कि मैंने कहा हजरत आपने मुझे इजाजत दी, मुझे इजाजत दी आपने, मुझे डर लगता है कि मेरे अखलाक को जब लोग देखेंगे, मेरी जिंदगी को लोग देखेंगे तो आपकी बदनामी होगी कि मौलाना यूसुफ लुधियानवी का ये खलीफा। तो आप अल्लाह के लिए इजाजत दी आपने, सर आंखों पर, ये तो नेमत है, आपका हुस्न जन है, मैं ये नहीं कहता कि खिलाफत ले लीजिए आप, लेकिन आप किसी किस्म ने इसका इजहार न कीजिए। तो हजरत ने मेरे रुखसार के ऊपर एक हल्की सी चबत मारी होगी और फरमाया कि काम कीजिए। और इसी जगह पर जो पुरानी इमारत थी, हजरत ने यहां मिंबर पर बैठकर के बयान फरमाया, और बयान के बाद हजरत ने ऐलान फरमा दिया, वरना किसी को पता भी ना चलता। और उलमा के सामने ये बात करके जब हम उलमा के कमरे में से बाहर निकले तो हमारे हाफिज इस्माइल कोया साहिब रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत ताउन किया, मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे लेकिन बहुत एहतराम से रहे मेरे साथ। उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत से मुझे बैत करा दो, तो मैंने कहा कि हजरत इनको बैत फरमा दीजिए। तो हजरत फरमाया कि तुम बैठ करके बैत करो इनको, तो मैंने कहा नहीं हजरत, इनको आपसे बैत होना है, आप इनको बैत कर लीजिए, आगे के काम मैं कर लूंगा। हबी साहब को बैत कराया और फिर हजरत ने मुझे कमरे में बुलाया जिसमें कयाम था, और मैं और हजरत और मुफ्ती जमील खान साहिब वहां खड़े थे। तो हजरत ने मुझसे पूछा कभी तो काम क्यों नहीं करता, क्यों किसी को बैत नहीं करता, क्यों जिक्र की मजलिस नहीं होती। तो मैंने हजरत से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत मैं ना अहल हूं, मेरे अंदर अहलियत नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि अगर तुम ना अहल हो तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी ना अहल हूं, तुम ना अहल हो इसका मतलब है कि मैं भी ना अहल हूं। मैंने कहा हजरत नहीं ऐसी बात तो नहीं। तो कहा ना अहल को जो खिलाफत देता है वो भी ना अहल होता है, ना अहल है, और मैंने तुमको खिलाफत दी थी तो मैं भी ना अहल, मैंने भी गलती की। मैंने कहा नहीं हजरत ऐसा नहीं है, मैंने कहा मुझसे बैत होने से किसी को क्या फायदा होगा, मैं क्या बैत करूंगा। तो फिर हजरत ने मुझसे फरमाया कि नहीं तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कहां बैत करने के लिए कह रहा हूं, तुम जिक्र का एक वक्त मुकर्रर कर लो और इस्लाही नफ्स के बारे में बातचीत करने के लिए एक दिन मुकर्रर कर लो, बस ये काम करो, और जो भी इखलास के साथ तुम्हारे हाथ पर बैत होने के लिए आए तो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का भरोसा करके, इस नियत से कि इसकी बरकत से मेरी नजात होगी और मेरी इस्लाह होगी, बैत कर लिया करो। मुझे कोई इसका शौक नहीं है, मैं
मुझे मैं कितने कितने प्रोग्रामों को मैं मना कर देता हूँ, मेरी तबीयत नहीं आमादा होती, इंग्लैंड में भी जाता हूँ बहुत जबर कर करके जाता हूँ। ये जो बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि आप हजरात में से जो जो मुझसे मुंसलिक हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको मुतवज्जेह करूं। 5 बजे हमारे यहां प्रोग्राम होता है खानकाही, तो 5 बजे आने की कोशिश करनी चाहिए। अब तो बयान में आते हैं, बयान सुनने के लिए आते हैं। आपके शेख की चाहत यह है कि आप यहां 5 बजे पहुंचे, तो किसी मजबूरी की वजह से भाई चलो 5:30 बजे 6 बजे किसी की मजबूरी है, लेकिन एक जहन बनाया हुआ है। यहां तक के पूरे साल में 24 घंटे का एक निजाम होता है, एक मरतबा पूरे साल में 24 घंटे का निजाम एक मरतबा, उसमें भी जो कल मगरिब तक रहने वाले लोग होंगे वो मगरिब से पहले नहीं पहुंचे थे, असर से मगरिब के दरमियान कम लोग थे। इतना नहीं कर सकते हम, इतना नहीं कर सकते कि साल में एक मरतबा हमें बुलाया जाता है तो चलो भाई जोहर के बाद निकल जाते हैं, वहां मगरिब से पहले पहुंच जाते हैं। 24 घंटे का निजाम जो एक शेख ने सेट किया है, तो ये भी तो शेख भी तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर की तरह निजाम सेट किया जाता है। तो इसकी तरफ बेतवज चुकी थी। और दूसरा काम जो करना है वो है जिक्र की कसरत। तो ये जो इत्तेबाए हवा से निकलकर इत्तेबाए शरीयत की तरफ आना है, भाई मकसूद क्या है जिंदगी का बोलो भाई, और रिजा इलाही पर कैसे आएंगे, रिजा इलाही कैसे हासिल होगी, इत्तेबाए शरीयत से। और इत्तेबाए शरीयत पर आना है इत्तेबाए हवा को छोड़कर, उसके लिए शेख चाहिए, शेख की रहनुमाई में, शेख की सोहबत, शेख की सोहबत में बैठना है और उसकी रहनुमाई में जिक्र कसीर करना है, जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह का एहतिमाम और शेख की सोहबत, और बुरी सोहबत से बचना, बुरे माहौल से बचना, लायानी से बचना। इसकी बरकत से क्या होता है, तज़किया होता है, और तज़किया होता है तो इत्तेबाए हवा खत्म हो जाती है और इत्तेबाए शरीयत जिंदगी में आ जाती है। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज बयान करके आज के वाज को खत्म करता हूं। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, बड़े अल्लाह वाले। ये खलीफा थे हजरत शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, और शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के, और हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के दो बड़े बड़े खलीफा जो बहुत ऊंचे दर्जे के और बहुत मशहूर हुए, उनमें से एक शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हजरत मौलाना खलील अहमद सहरानपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना खलील अहमद सहरानपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत शाह अब्दुल रहीम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये शाह अब्दुल कादिर साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये बुजुर्गों की सोहबतों में जाते थे देखने के लिए कि मैं किसी को अपना शेख, किसको अपना शेख मुंतखब करूं। तो ये हजरत शाह अब्दुल कादिर साहिब हजरत शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वक्त गुजारा, कुछ 2-4 दिन गुजारे होंगे, कुछ घंटे गुजारे होंगे, जो भी होगा। उसके बाद उनके ताल्लुक वालों में से कोई मरीज था, बीमार था, तो उसे जरूरत पड़ी इलाज की, तो हकीम नूरुद्दीन इलाज मुआलजे में बहुत मशहूर था और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खास आदमी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के वफात के बाद सबसे पहला खलीफा जिसे बनाया गया वो हकीम नूरुद्दीन को, और हकीम नूरुद्दीन के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद वो खलीफा बना, और हकीम नूरुद्दीन के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो मानने वाले लोग हैं उनका अकीदा यह है
कि हकीम नूरुद्दीन मिसले अबी बकर है, अबू बकर के दर्जे का आदमी है, और हकीम नूरुद्दीन के बाद इनके यहां जो खिलाफत का सिलसिला है उसमें सब इनके खानदान ही के लोग हैं। ये वाहिद शख्स है जिसका खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इसकी अहमियत का आप अंदाजा लगाइए। और आलिम भी था हकीम नूरुद्दीन, और हिकमत भी खूब जानता था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने फिरके की बुनियाद डाल दी थी, मुआवी ने खसूसी और मुआवी ने खास, नूरुद्दीन था हकीम नूरुद्दीन। अब तक इतना आम ऐलान नहीं हुआ था कि ये खत्म नबूवत के दावेदार हैं लिहाजा दायरे इस्लाम से खारिज हैं, मगर ये था कि कुछ खिदमत कर रहे हैं, कोई नई अंदाज से काम कर रहे हैं, अहले हक से जरा तरीका इनका अलग है। तो शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के किसी दोस्त ने, ताल्लुक वालों में से कोई बीमार था, तो कहा कि हकीम नूरुद्दीन के पास इलाज कराने के लिए जाना है, आप भी तशरीफ लाइए हमारे साथ बतौर रफीक के। गए हजरत, हजरत ने हकीम नूरुद्दीन की भी मुलाकात की और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की भी मुलाकात की उस सफर में। अभी दायरे इस्लाम से खारिज होने का ऐलान अभी नहीं हुआ था, और गुफ्तगू भी हुई। तुम्हारा तरीका अलग है, अहले हक का तरीका अलग है, तुम क्यों अपने आप को हक पर समझते हो। शाह अब्दुल कादिर साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह अभी तक हजरत शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत नहीं हुए थे। एक जनरल जो उमूमी अकीदत होती है कि ये भी कोई अल्लाह वाले हैं, ये भी कोई बुजुर्ग आदमी है, इस तसव्वुर के साथ हजरत की खानकाह में गए थे, अभी तक कोई ताल्लुक जोड़ा नहीं था। और अल्लाह ताला शानहू जब किसी को आजमाइश बनाकर भेजता है तो वहां भी कुछ खर के आदत चीजें नजर आती हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि नूरुद्दीन की मजलिस में कभी कभी वो बुलंद आवाज से कोई जिक्र का कलिमा बोलता था, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कशिश इतनी थी गजब की कि दिल को खींच लेता था वो। हजरत फरमाते हैं अभी तो हजरत जवानी में है, अपनी इस्लाह के मैदान में कदम भी नहीं रखा है। मैं सोहबत के बारे में आपको बहुत अहम बात बतला रहा हूं। और वहां कई दिन कयाम रहा, इसलिए कि इलाज मुआलजे के लिए गए थे, वो हकीम था और दीन के सिलसिले में भी जाहिर है कि वो तबलीग करता होगा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह बाद में हजरत शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वहां पर जब जब भी कोई कशिश वाली चीज मैंने देखी तो मैं मुतासिर जरूर हुआ, मगर वो जो रायपुर की मुझे थोड़ी सोहबत मिली थी उसने मुझे बचा लिया। अल्लाहु अकबर, सोहबत की बरकत। वो जो मुझे रायपुर की सोहबत मिली थी उसने मुझे बचा लिया। और दिल में ये ख्याल आता था कि कशिश तो यहां बहुत है, असर भी बहुत महसूस होता है, रूहानियत नूरानियत की दुनिया से तो वाकिफ नहीं थे, वो सब महसूस हो रहा था, लेकिन दिल में मान ये ख्याल आता था कि रायपुर में मैं जिन साहिब को देख करके आया हूं वो तो मुझे अल्लाह वाले लगते थे, उनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, वो अल्लाह वाले इतने शरीफ इंसान है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह उनको जहन्नम के रास्ते पे रखे, इसलिए सही तो वही है, ये गलत है। कहते ये ख्याल आता था, हजरत का तसव्वुर आ जाता था। अभी हजरत से कोई ऐसी अकीदत मोहब्बत आला दर्जे की नहीं, मुरीद भी नहीं। और फिर शाह अब्दुल कादिर साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर हकीम नूरुद्दीन के पास जाने से पहले मैं शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में चंद लम्हात गुजार कर न गया होता तो मैं कादियानी हो जाता। शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह,
मैं कादियानी हो जाता अगर मैं शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में न बैठा होता। वो जो मेरी एक मुलाकात हो गई उसने मुझे बचा लिया। इसलिए मेरे भाइयों, नेक लोगों की सोहबत का बहुत एहतमाम करो। नेक लोगों की सोहबत जहां कहीं मिल जाए उसे गनीमत समझो। और अपने शेख के साथ ताल्लुक खास रखना है, इसलिए कि एक मुरीद को अपने शेख की सोहबत से जो नफा पहुंचता है वो किसी और से नहीं। और तौहीद मतलब कि मुझे मेरा मकसूद मेरे शेख के वास्ते ही से हासिल होगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा अनफा मेरा शेख है, और किसी और शेख की सोहबत में जाएं और वहां कोई हमें नफा पहुंचे तो जहन में ये बात आनी चाहिए कि मेरे शेख का फैज है जो मुझे इनके वास्ते से मिल रहा है। तो बैयत होना है, किसी को अपना शेख बनाना है, और उनकी सरपरस्ती में हमें जिक्र कसीर करना है। जिक्र कसीर करना है तो क्या फायदा होगा? इत्तेबाए हवा से निकलकर इत्तेबाए शरीयत पर आएंगे। इत्तेबाए शरीयत पर आएंगे तो क्या होगा? अल्लाह की रिजा हासिल होगी। इत्तेबाए हवा से इत्तेबाए शरीयत पर आएंगे, यही तज़किया है, यही इस्लाह नफ्स है। तो मैं शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुनाकर बात को खत्म करता हूं। क्या फरमाते थे हजरत? हजरत के बारे में हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हजरत के खलीफा, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इक्तिसाब फैज किया। तो शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, मैं अपने अल्फाज में बात बयान कर रहा हूं, कि हजरत के दिल में यकीन के दर्जे में यह बात बैठ गई थी कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो हालात हैं और जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसका वाहिद सबब दिल के अखलाक का बिगाड़ है और इखलास का मफकूद होना है। पूरी दुनिया के मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं उसकी वाहिद वजह क्या है? कि उनके दिल बिगड़ गए हैं, यानी दिलों का तज़किया नहीं, दिल बिगड़ गए, दिल गंदे हो गए, दिल मैले हो गए, दिल बीमार हो गए। और ये जो दिल बीमार हो गए हैं तो बीमारी की वजह से इत्तेबाए हवा के शिकार हो गए, इत्तेबाए शरीयत पर नहीं आ सकते। और हजरत ये फरमाते थे कि जब मसला ये है तो इलाज भी एक ही है, इलाज ये है कि दिल के अखलाक दुरुस्त हो जाए और इखलास आ जाए। और हजरत ये फरमाते थे कि उसके लिए जरूरत इस बात की है कि दिल में किसी तरह अल्लाह की मोहब्बत को उतारा जाए। अल्लाह की मोहब्बत जिस दिल में उतर जाती है वहां फिर गंदगी नहीं रहती, बुरे अखलाक की गंदगी नहीं रहती। एक शख्स जो है कितना ही गंदा क्यों ना हो, लेकिन उसके घर में अगर कोई शरीफ आदमी आता है तो उसके आने से पहले क्या करता है? उसे साफ करता है। तो अल्लाह अपनी मोहब्बत जिस दिल में उतारना चाहता है तो उस दिल को पहले साफ फरमाते हैं, साफ करते हैं, फिर अल्लाह की उस दिल में मोहब्बत उतरती है। तो हजरत ये फरमाते थे कि दिल में मोहब्बत को उतारना, अल्लाह की मोहब्बत को, ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर जाएगी तो क्या होगा? बुरे अखलाक निकल जाएंगे, अच्छे अखलाक आ जाएंगे, अच्छे अखलाक आ जाएंगे तो मुसलमानों का मसला हल हो जाएगा। फिर हजरत फरमाते थे कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतारने के लिए क्या किया जाए? तो हजरत फरमाते थे दो चीजें, नंबर एक अल्लाह वाले की सोहबत और नंबर दो जिक्र कसीर। अल्लाह वालों की सोहबत और जिक्र कसीर, अल्लाह वालों की सोहबत और जिक्र कसीर से गुनाहों से बचने की हिम्मत पैदा होगी, नफ्स पर काबू पाने की हिम्मत पैदा होगी, और धीरे 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 तज़किया होगा और तज़किया होगा और उसके नतीजे में अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, और अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी दिल के अंदर सारे अखलाक फाजिल आ जाएंगे। और मेरे भाइयों, ये जो काम है इस काम के सब ही मोहताज हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। सलीम धोरात भी इसका मोहताज है, इमदादुल्ला भी मोहताज है, कामरान भी मोहताज है, इमरान भी मोहताज है, अहमद भी मोहताज है, सब मोहताज इसके।
हम सब भी मोहताज हैं, छोटे लोग बड़े लोग भी मोहताज। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी मोहताज थे, इसीलिए वो बैयत हुए मौलाना खरीद अहमद सहरानपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी मोहताज थे, इसलिए वो बैयत हुए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से, और उसके बाद हजरत मौलाना खरीद अहमद सहरानपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इसके मोहताज थे, इसीलिए वो बैयत हुए हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी मोहताज थे, इसलिए बैत हुए हजरत शाह अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नानोदी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मोहताज थे, इसलिए बैत हुए किससे? हजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से। सब मोहताज। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी इसके मोहताज। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी मोहताज। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक के पास गए और उनसे बैत हुई। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मशगला था, जब फिक्र सवार हुई कि इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, तो दो साल तक इमाम जाफर सादिक के साथ बराबर रब्त में रहे बराबर, और अपनी इस्लाह कराई। और बाद में हजरत बुढ़ापे में कहा करते थे कि लवलस सनतान लहलकन नौमान, वो दो साल जो इमाम जाफर सादिक के साथ राबते में गुजारे थे, अगर वो दो साल ना होते तो नौमान इतना इल्म होने के बावजूद भी हलाक हो जाता। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह भी मोहताज। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया करते थे। अब वक्त का इमाम मुहद्दिस और जाता है बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, एक बुजुर्ग सूफी। तो तलबा ने एक दिन पूछा कि पूरी दुनिया आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आती है और आप बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, तो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, तारीखी जुमला आबे जर से लिखने के काबिल है। हजरत ने फरमाया कि मैं भी आलिम और बिशरे हाफी भी आलिम, मगर फर्क यह है कि मैं अल्लाह की किताब का आलिम और बिशरे हाफी अल्लाह का आलिम। मैं आलिम बे किताबिल्लाह हूं और वह आलिम बिल्लाह है, पर आलिम बिल्लाह को आलिम बी किताब बिल्लाह पर फजीलत हासिल है, इसलिए मैं उनके पास जाया करता हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने आकर के पूछा कि तवक्कुल किसे कहते हैं, इखलास किसे कहते हैं। हजरत ने कहा कि इखलास फुला चीज को कहते हैं, तवक्कुल किसे कहते हैं, हजरत ने फुला चीज को कहते हैं, रिदा किसको कहते हैं, कहा फुला चीज को कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। तो हजरत खामोश हो गए। मोहब्बत इलाहिया, कहा कि जब तक बिशर हाफी जिंदा है इसका जवाब अहमद इब्न हंबल नहीं दे सकता, जाकर के उनको पूछो। उलमा को भी इससे सबक लेना है, ये दो अलग अलग फील्ड है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, मुस्लिम पढ़ाने वाला, तिर्मिजी पढ़ाने वाला, तहकीकी मजामीन लिखने वाला, फिकी मबाहिस में तहकीक करने वाला, ऐसा ना समझे कि मेरे पास बहुत इल्म है मुझे किसी की जरूरत नहीं। ना ना, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस नहीं थे, फकीह नहीं थे, मुफस्सिर नहीं थे, मगर आए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनको देखा तो कहा कि हमारे सरदार इब्राहिम बिन अदहम आ गए, जा सैयदुना इब्राहिम इब्न अदहम, चले गए हजरत। तो तलबा ने पूछा कि आपने इनको सरदार कहा, तो कहा कि जी हां, मैंने इनको सरदार इसलिए कहा कि हम जिस्मों की खिदमत में लगे हुए हैं, वो अल्लाह की खिदमत में लगे हुए हैं। हम तलबा में मेहनत कर रहे हैं, वो बराहे रास उनका एक एक कदम अल्लाह की खिदमत में है, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। और ऐसा लोगों ने नहीं देखा कि मैं बड़ा वो छोटा, नहीं, इस एक्सपर्टीज को देखा। हजी साहिब रहमतुल्लाह अली के पास हजरत नानुतवी चले गए, हजरत गंगोही चले गए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली चले गए, बड़े बड़े लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब, मुफ्ती रफी उस्मानी साहिब, ये दोनों हजरत एक डॉक्टर के हाथ पर बैत हुए, डॉक्टर अब्दुल्ला यारिफी रहमतुल्लाह अलैह, होम्योपैथिक डॉक्टर, उनके हाथ पर बैत हुए और हार महसूस नहीं की। और हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह भी जो कि कराची में रहते थे और हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, मगर हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की चाहत की वजह से हर हफ्ते जो खुसूसी मजलिस होती थी उसमें ये तीनों भी जरूर होते थे, बिल्कुल आगे बैठे हुए होते थे। डॉक्टर अब्दुल यारिफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते थे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जे के आलिम,
بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور روحانیت میں اتنا اعلی مقام کہ وقت کا خلیفہ ناراض ہو گیا. مکہ مکرمہ میں آپ مقیم تھے, مکہ کی گلیوں میں ندا آئی, ندا کیا آئی, سفیان ثوری کی گرفتاری کا وارنٹ آ گیا ہے خلیفہ وقت کی طرف سے, اور خلیفہ وقت مکہ مکرمہ آ رہے ہیں. تو سفیان ثوری کی گرفتاری کا وارنٹ آ گیا ہے, سفیان ثوری جس گھر میں بھی ہوں گے اس کو بھی سزا ملے گی سفیان ثوری کے ساتھ. موت کی سزا خلیفہ نے سنائی ہے دونوں کے لیے, سفیان ثوری کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جس کے گھر میں وہ. یہ واقعہ سفیان ابن عیینہ بیان کرتے ہیں, جلیل القدر محدث. اور سفیان ابن عیینہ سفیان ثوری کے شاگرد کہتے ہیں کہ جس وقت مکہ کی گلی میں یہ آواز اعلان شروع ہوا کہ اس وقت ہم ایک کمرے میں تھے, میں بھی حضرت کے ساتھ تھا اور فضیل بن عیاض تھے, حضرت کا سر میری گود میں تھا اور حضرت کے قدم جو ہے وہ فضیل بن عیاض کی گود میں تھے, آرام فرما رہے تھے حضرت, میری گود میں سر تھا. سفیان ابن عیینہ جیسے محدث کی گود میں سر اور فضیل بن عیاض جیسے اللہ والے کے گود کے اندر اپنا پیر تھا, خود کا مقام کتنا اونچا ہوگا. کہتے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے حیران کہ حضرت تو جاگ رہے ہیں, سوئے ہوئے نہیں ہیں, اعلان ہمیں سنائی دیتا ہے حضرت کو بھی سنائی دے رہا ہوگا, مگر حضرت تو بالکل حرکت نہیں کر رہے, آرام سے لیٹے ہوئے, ہمیں کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. اعلان ہوتا رہا, تھوڑی دیر کے بعد حضرت اٹھے اور خاموشی سے وضو فرمایا اور وضو فرما کر باہر جانے کی تیاری کی. حضرت باہر نکلے, ہم بھی پیچھے پیچھے چلے حضرت کے, سیدھے حضرت حرم شریف میں گئے, حرم شریف میں جا کر کے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا, دعا میں مشغول ہو گئے. دعا میں ہم دونوں وہاں خدمت میں تھے, منتظر تھے, شاگرد تھے. کہا کہ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چرچا شروع ہوا, ایک دوسرے کو لوگ کہنے لگے کوئی بات, وہ بات چلتے چلتے ہمارے کانوں تک بھی آئی کہ خلیفہ وقت مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے, ان کا انتقال راستے ہی میں ہو گیا ہے. ایسا جلیل القدر اللہ والا سفیان ثوری اور بہت بڑا محدث اور بہت بڑا فقیہ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی, یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ابو ہاشم الصوفی کی صحبت میں نہ جاتا, ان سے اپنا تعلق نہ جوڑتا, ابو ہاشم الصوفی, میں نے بھی جب کتابوں میں پڑھا تو پہلی مرتبہ ابو ہاشم الصوفی کا نام سنا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہزاروں مرتبہ سنا, ابو ہاشم الصوفی کا نام میں کتاب میں دیکھا, میں نے کہا ابو ہاشم الصوفی کون ہے, پہلی دفعہ سنا. اور یہاں جو علماء مجھ سے سن رہے ہوں گے اس میں سے بھی 90% ایسے ہوں گے جنہوں نے ابو ہاشم الصوفی کا نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا. وہ کتنے بڑے عالم اور کتنے مشہور, اور ان کے وہ پیر ابو ہاشم الصوفی, لیکن یہ اتنے بڑے عالم کیا فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم الصوفی کی صحبت مجھے نہ ملتی تو مجھے ریا کے بارے میں جو دقیق علم ہے وہ مجھے پتا نہ چلتا, تو وہاں جا کر کے مجھے معلوم ہو. تو میرے بھائیو, ایسے بڑے بڑے لوگوں کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں نہیں پڑتی. اور ایسا مت سمجھو کہ عمرہ کرنے سے خود بخود تزکیہ ہو جائے گا, حج کرنے سے خود بخود تزکیہ ہو جائے گا, دعوت و تبلیغ میں اگر لگے رہے اور مجھے خود بخود تزکیہ ہو جائے گا, ہم بخاری شریف پڑھ لیں گے تو خود بخود اس سے تزکیہ ہو جائے گا, بخاری شریف پڑھاتے رہیں گے تو خود بخود تزکیہ ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی, تزکیہ کرانا پڑتا ہے. اللہ تعالی شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری قرآن میں بتلائی ہے وہ یہ کہ یہ امت کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو کتاب و سنت کی تشریح سمجھاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ الگ کام ہے, تزکیہ کرتے ہیں ان کا, ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں. تو ایک مزکی ہوتا ہے اور ایک تزکیہ کرانے والا ہوتا ہے, تزکیہ کرنے والا شیخ اور تزکیہ کرانے والا مرید. یہ جب دونوں آپس میں ہاتھ رکھ کر کے
तौबा करते हैं तो उसका माना यह होता है कि हम अग्रीमेंट कर रहे हैं। शेख ये अग्रीमेंट करता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मुझसे जितना भी हो सकेगा उतना मैं आपको इत्तिबाए हवा से निकालकर इत्तिबाए शरीयत पर लाने की कोशिश करूंगा, और इखलास के साथ, मेरी अपने उसमें जाती गर्ज कोई नहीं होगी। और वो जो मुरीद हो रहा है वो भी ये कहता है कि आपसे ताल्लुक रखने में मेरी कोई गरज नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मुझे जो कुछ कहते चले जाएंगे मैं करता चला जाऊंगा, इसलिए कि मैं भी इस्लाह चाहता हूं। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे, और अल्लाह ताला शानहु मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की भी तौफीक दे। काफी बयान जरा आज लेट भी मैं आया, उलमा के साथ मजलिस जरा तवील हो गई, लेट आया, और बातें तो अभी भी बहुत हैं, मगर यह है कि जितनी कही उम्मीद है कि काफी है। तो हमें शेख चाहिए, फिर शेख की सोहबत का एहतमाम करना है, घुल मिल जाना है यहां तक कि हम भी शेख जैसे हो जाएं। और नंबर 3, मामूलात की खूब पाबंदी करनी है, जिक्र कसीर करना है, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह को याद करना है, जुबानी जिक्र भी हो, दिल दिमाग से भी जिक्र हो कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा है। गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी सोहबत बुरे माहौल से बचना है, शरारतों से बचना है, और निफाक से बचना है, और लायानी से बचना है। लायानी में फुटबॉल भी आ गया, लायानी में क्रिकेट भी आ गई। क्रिकेट एक हद में रहकर खेलो, फुटबॉल एक हद में रहकर खेलो, इस नीयत से खेलो कि इससे मेरी एक्सरसाइज होगी, बदन को ठीक रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो एक्सरसाइज की नीयत से एक हद में रहकर के खेलो, लेकिन कमेंट्री सुनते हैं, फुटबॉल देखते हैं, इससे कोई नफा नहीं होता, ये लायानी है। लायानी किसको कहते हैं? जिसका ना दुनिया में कोई नफा ना आखिरत में कोई नफा। और अगर फुटबॉल और क्रिकेट से इतनी मोहब्बत हो जाए कि फुटबॉल और क्रिकेट की वजह से अल्लाह के बंदों या अल्लाह के हुकूक पामल होने लगे, तो फिर ये क्रिकेट और फुटबॉल नाजायज हो जाता है। किसी को इतनी ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल के साथ शौक हो गया कि कमेंट्री सुनने की वजह से नमाज बाद जमात को छोड़ रहा है, नमाज कजा नहीं होती मगर नमाज बाद जमात को छोड़ रहा है। माँ कहती है कि बेटा जाओ जरा दुकान में जाकर के दूध ले आओ, कहते नहीं अम्मी अभी नहीं, अभी नहीं, मैं फुटबॉल देख कर जाऊंगा। नाफरमानी माँ की। तो क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरेस्ट अगर किसी को अल्लाह के हुकूक को पामाल करने तक पहुंचा दे, या अल्लाह ताला शानहु की मखलूक के हुकूक को पामाल करने तक पहुंचा दे, तो फिर ऐसी सूरत में नाजायज हो जाएगा। अल्लाह ताला शानहु इस पर भी अमल की तौफीक दे। अपने अवकात को अच्छे कामों में सर्व करो, अच्छे कामों में गुजारो। अल्लाह ताला शानहु फजल फरमावे। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين
या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रहम का करम का मामला फरमा, युसरो सहूलत का मामला फरमा, अफवाफियत का मामला फरमा, फजलो इनायत का मामला फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। इलाहल आलमीन हमें अपनी रजा नसीब फरमा, हमें अपनी रजा नसीब फरमा, हमें अपनी रजा नसीब फरमा, हमारे कुलूब का तजकिया फरमा। इलाहल आलमीन हमें इत्तिबाए हवा से निकाल दे, इलाहल आलमीन हमें इत्तिबाए शरीयत की तौफीक अता फरमा, इलाहल आलमीन हमारे नफ्स की इसलाह फरमा, हमारे कुलूब का तजकिया फरमा, अखलाक रजीला से हमें पाक और साफ फरमा, अखलाक हमीदा से हमें आरास्ता फरमा, अकायद की पुख्तगी नसीब फरमा, इबादात मुआमलात मुआशरत हुस्न अखलाक में भी पुख्तगी नसीब फरमा। अरहमुर राहिमीन हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें सिर्फ अपनी मोहब्बत और अपनी रजा के हुसूल के खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। और इलाहल आलमीन हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। अरहमुर राहिमीन इस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा, इलाहल आलमीन इस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा, अरहमुर राहिमीन इस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। अरहमुर राहिमीन हमारा भी और हमारे अहलो अयाल का भी, हमारे मुतअल्लिकीन का भी, इलाहल आलमीन पूरी उम्मत का भी, और इलाहल आलमीन क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों का भी। इलाहल आलमीन तज़किया फरमा दे, तज़किया फरमा दे, हम सबको औलियाए कामिलीन में शामिल फरमा दे, हमें मुज़क्का बना दे, हमें मुजल्ला बना दे, हमें मुसफ़ा बना दे। अरहमुर राहिमीन फजल का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। इलाहल आलमीन जिन जिन बातों को वाजह किया गया है, उजागर किया गया है, इलाहल आलमीन उन पर अमल करने वाला बना दे, सुस्ती गफलत से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहल आलमीन हमें अपने मशाइख की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन हमें उनके साथ घुल मिलकर रहने वाला बना दे, हमें उनकी तवज्जुहात से माला माल फरमा। इलाहल आलमीन हमारे कुलूब में उनकी आला दर्जे की मोहब्बतें और अजमतें नसीब फरमा, अकीदतें नसीब फरमा। इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन जिन जिन भाइयों ने बहनों ने हमें दुआओं के लिए कहा है लिखा है, जो हमसे मुतवक्के हैं, जिनका हम पर हक बनता है, जो हमसे ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, खुसूसन हमारे माँ बाप, हमारे असातिदा मशाइख, दोस्त अहबाब, हाजिरीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, सभी के तमाम जायज नेक मकासिद को पूरा फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहल आलमीन इस इज्तिमा को कबूल फरमा, पूरे आलम में हिदायत के आम होने का जरिया बना, तेरी मोहब्बत के आम होने का जरिया बना, हम सब की इसलाह और हमारे तजकिए का जरिया बना। जो माँ बहन, जो दोस्त अहबाब आए हुए हैं, इलाहल आलमीन सबको कबूल फरमा। وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد। मैं जरा दो मिनट के लिए दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ, चूंकि एक इज्तिमा की शक्ल है और बहुत से लोग आए हुए हैं। पहली बात यह है कि जब भी हमारा खानकाह में जाना हो, चाहे जो लोग मुझसे मुंसलिक हैं या किसी और से मुंसलिक हैं और अपने मशाइख के यहां जाते हैं, तो खानकाह में जब जाए एक ही मकसद लेकर जाएं, तज़किया, इस्लाह नफ्स, अल्लाह की रिजा और अल्लाह की मोहब्बत। एक ही, मेरी इस्लाह हो जाए, मेरा तज़किया हो जाए। उस वक्त ज़ैद अमर बकर का आप न सोचे, जो हजरत अपने साथ अपने मातहतों को लेकर आते हैं, किसी को समझा कर ले आते हैं, दोस्त अहबाब को ले आते हैं, शागिर्दों को ले आते हैं, उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि बस आप यहां दाखिल हो गए तब इनको हमारे हवाले कर दो, हमारे निजाम से चलने दो, हमारा जो यहां निजाम है वो पूरा इनकी निगरानी करेगा, आप अलग हो जाइए। मैं ये चाहता हूं कि यहां जो भी आए वो बस अकेला अल्लाह की तरफ तवज्जो करके अपनी इस्लाह की फिक्र करे, बस वो किसी और की फिक्र ना करे। इसलिए आप एक ऐसी जगह भी ऐसा ही है जैसा कि हॉस्पिटल में हम अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं, फिर बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो इलाज वो सब करते हैं पर हमें उन पर भरोसा भी होता है। अब वो सीटी स्कैन के लिए ले जाते हैं तो भी वेटिंग रूम में हम बैठे हुए हैं, एक्सरे के लिए ले जाते हैं तो भी हम वहां बैठे हुए हैं। बात समझ में आ गई? माशाल्लाह इंतजाम है, यहाँ कारकुन है, वॉलंटियर्स है, रिजाकार है, आप सब जानते हैं कि बड़ी मोहब्बत से ये लोग खिदमत करते हैं, बोझ महसूस नहीं करते। और आप हजरात में से किसी को इनसे कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएं। हमारे असातिदा भी माशाल्लाह हमातन
خدمت میں متوجہ ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں بھی لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ یہاں حدیث پڑھانے والا ہاتھ دھلا رہا ہے. یہاں تو آنے والے لوگ صرف مجھے ہی پہچانتے ہیں, اس لیے کہ میرے سب ماشاءاللہ رفقا ایسے بےچارے گھلے ملے رہتے ہیں سب کے سب کے, پتا ہی نہیں چلتا کہ اور بڑے بڑے کون ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آئیں ہر ہفتے کے لیے میری طرف سے خانقاہ میں ہم جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, کسی اور کی اصلاح کے لیے نہیں. باہر جا کر کے جس کو جو کچھ کرنا ہو, ملاقات کے گھر سے بھی نہ آئے کہ مولانا محمد علی صاحب یہ نیت دے کر کے آئے کہ باٹلی سے مولانا سعید صاحب آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی, آمنے سامنے ہو گئے تو السلام علیکم وعلیکم السلام, ڈھونڈے نہیں. یہاں آئے صرف اپنا کوئی بھی کام لے کر کے یہاں نہ آئے, کسی کو اپنی طرف مائل کرنا کسی کی طرف مائل ہونا, ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, دوست کی یاد کا مشغلہ اور میں, ہر میں اور دوست کی یاد کا مشغلہ, یہ بھی یہی سوچے یہ بھی یہی سوچے یہ بھی یہی سوچے یہ بھی یہی سوچے, ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. بس اب زیادہ من بکر کا کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے, ہم تو صرف اللہ, یہ ایک 24 گھنٹے ہمارے ہیں اس میں ہمارے گزرنے چاہیے. اور لیسٹر میں کچھ کام ہو, شاپنگ ہو, کچھ بھی کرنا ہو, یہاں کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے یا پروگرام سے فارغ بیچ میں نہیں جانے گا. باہر سے آنے والوں کو بھی کہتا ہوں یہاں آ کر کے مت جاؤ, 2 گھنٹے کا کام ہے تو نمٹا کر کے پھر یہاں آؤ, یہاں آنے کے بعد دوسرا کوئی کام نہیں یہاں سے جانے کا. ہر مہینے رمضان المبارک میں بھی سمجھے, ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات کہ ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں سے ائمہ آتے ہیں, مختلف جگہوں سے اساتذہ آتے ہیں, مکتب کے اساتذہ, دار العلوم کے اساتذہ, ائمہ بھی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آتے ہیں, بہت اچھا ہے, لانا چاہیے. اور جن کا ہم سے براہ راست تعلق بیعت کا ہو جائے, اس کے بعد ہم سے تعلق رکھنے کے لیے کسی اور کے واسطے سے مت آؤ ڈائریکٹ, وہ استاد آپ کی اپنی جگہ پر, وہ امام آپ کی اپنی جگہ پر, آپ کے والد اپنی جگہ پر. اصلاحی تعلقات میں کسی اور سے انسٹرکشن نہیں لینے کی, شیخ سے لینے کی, ورنہ نقصان ہوگا. شیخ کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے, کتنا ٹھہرنا ہے کتنا نہیں ٹھہرنا ہے, ذکر لینا ہے نہیں لینا ہے, اب آپ کسی اور کے اشارے پر چل چل کے سارے کام کر رہے ہیں تو بھائی انہیں سے شیخ مرید ہو جاؤ, میرا اتنا کام کم ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں, یہ 2 باتیں بہت ذہن میں رکھیں. یہاں آنے کے بعد ایک ہی کام, جب بھی آئیں مجھے اس سے ناگواری ہوتی ہے, مجھے اس سے ناگواری ہوتی ہے, اپنا ایک ہی کام کریں. ملنا ملانا یہ جو سب ہوتا ہے, دوستیاں, یہ دھیرے دھیرے دوستیاں بڑھتی ہیں پھر, اس لیے کہ آپ ہر ہفتے آئیں گے, آپ ہر ہفتے آئیں گے, آپ ہر مہینے آئیں گے, آپ ہر مہینے آئیں گے. ابھی دوستی ہوئی, پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے بارے میں ایسا مشہور تھا حضرت کے زمانے میں کہ جس کمرے میں جن لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی تھی, ایک ایک 2-2 مہینے اس کمرے میں رہتے تھے, مگر ایک دوسرا کس گاؤں سے آیا ہے وہ تو نہیں, ایک دوسرے کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ خانقاہ میں ممانعت آتی کہ بات نہیں کرنے کی تو خاموش. حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیوبند سے ایک ساتھ گئے تھانہ بھون, اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ, اور تھانہ بھون میں خانقاہ میں رات کو ان کو رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا. یہ حضرات کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم ذرا بات چیت میں لگ گئے, علمی بات چیت, بحث و مباحثہ, اور جو نگراں تھے خانقاہ کے وہ عام آدمی, وہ عالم نہیں, مگر اصول ہوتا تھا جیسے ہاسپٹل میں بھی اصول ہوتے ہیں, آپ وارڈ سے نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے, تو عام آدمی مگر ویل ٹرینڈ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ تھی کہ علماء کا لحاظ رکھنے کا, تو کمرے میں آ کر کے تو نہیں کہا کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں سو جاؤ, عشاء کی نماز میں بات نہیں کر سکتے, ایسا تو نہیں کہا. لیکن وہ جس جگہ پر کمرے تھے تو وہ کوریڈور میں آیا, اور کوریڈور میں آ کر کے زور سے, جیسے اذان کہتے ہیں نا ویسے زور سے اس نے, تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد خانقاہ میں بات چیت کرنا ممنوع ہے. دیکھو کتنا ادب, ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی کتنا ادب کہ ان کو نہیں کہا کہ علماء کرام کے تمام حضرات کی خدمت میں, ارے بادی کے تو سب خاموش تھے,
तो ये दोनों ये लोग भी बिस्तर में घुस गए चुपचाप, इसलिए कि वो तो गए थे ना, वरना ऐसा कहते थे कि भाई नहीं आना है यहां हमें, कितनी सख्त नहीं, तब जाकर के कारी तेब सब बने और मुफ्ती शरीफ सब बने, उन्होंने अपने आप को कुचला, इसलिए अपने काम में और निजाम के साथ चलते रहे। किसी को कोई भी तकलीफ हो तो वॉलंटियर्स को बताएं, इंशाल्लाह वो आपका ताउन करेंगे। तो एक मैं हूं और शुगले याद है, तो उसका मतलब यह है कि टेलीफोन वेलीफोन सब बंद कर दो, बंद कर दो टेलीफोन, और यहां एहतिकाफ के लिए जब भी आओ तो यहां से पूछ लो कि नंबर क्या है, यहां एक टेलीफोन है जिसके ऊपर 24 आवर आदमी बैठता है, ताकि अगर इमरजेंसी में फोन करना हो तो फोन, वो रात को सोएगा भी नहीं जिसकी ड्यूटी हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भी बैत हो जाए उसको वो अपने इमाम को पूछ करके ना आए कि मेरी छुट्टियां हैं तो मैं वहां खानका में जाऊं या ना जाऊं, वो डायरेक्ट मुझसे पूछे और वो आए, और वो इमाम के ताबे ना रहेगा, इमाम साहब जाएंगे तो मैं जाऊंगा और इमाम साहब नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो आपकी इसलाह आपके इमाम साहब के साथ थोड़ी मरबूत है, वो अपना जाने और आप अपना जानिए, मरबूत जब हो गए हैं तो आपको अपनी इसलाह की फिक्र खुद करनी चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। वरना मैं किसी और जगह दिल चाहता है तो किसी और जगह चले जाए, मैं यहां कोई दुकान लेकर के नहीं बैठा हुआ, आज तक एक आदमी ऐसा नहीं बता सकेंगे आप कि जिसने ये कहा हो कि मुझे तरगीब दी बैत होने के लिए। हमारे यहां रमजान मुबारक में कितने साल से एहतिकाफ हो रहा है, एक मरतबा आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि फुना नमाज के बाद जो हजरत बैत होना चाहते हैं वो बैत होने के लिए आ जाइए। रमजान मुबारक में जो लोग बैत होते हैं तन्हाई में अंदर बैत करते हैं, और उसमें भी नए लोगों को बैत नहीं करते, उनको ऐसा कहते हैं कि आप रमजान में यहां आए हैं, आपने हमें देखा इमोशनल हो गए हैं, अब रमजान के बाद 6-7 महीने आइए यहां और फिर आप दरखास्त रखिए, उसके बाद देखेंगे। तो सबको पता है कि ये हमारा मकसद ही नहीं है, ये जो आज जो बात की वो उसमें भी ये बात नहीं कि मुझसे बैत हो जाओ, ये बात कि बैत किसी न किसी शेख को ढूंढो, इसलिए कि उसके बगैर होगा नहीं। ये ऐसा ही है कि जैसा कि मैं किसी जगह जाकर के आपको तरगीब दूं कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, तो इसका माना ये नहीं होता कि एकेडमी में भेजो, इसका माना कि कहीं भी भेज के आलिम बनाओ। तो इसलिए अपना नुकसान मत करो और सही तरीके से सारे काम करो, अल्लाह ताला बहुत फजल फरमाएगा, अल्लाह ताला बहुत तरक्की नसीब करेगा, और ये इखलास के साथ दिल साफ रख करके आते जाते रहो, दिल मेला नहीं होना चाहिए, और शेख के दिल को भी मेला मत करो गलती करके, अल्लाह ताला शानहू फजल फरमाए। और मेरा दिल जो है बिल्कुल साफ है, मैं किना कपट वाला आदमी नहीं हूं, हाँ एक फितरी चीज है कि आपकी एक गलती अगर है और आप जानबूझकर उस गलती को करते ही रहते हैं और आप रुकते नहीं तो एक दिल में गम रहता है, दुख होता है, लेकिन मैं माफ कर देता हूं, सुन ले, हमें तकलीफ होती है, मैं इंसान हूं, इंसान को तकलीफ होती है, और ये तकलीफ जो है अच्छी चीज नहीं है दूसरों के लिए, मेरे लिए जिस्मानी तौर पर अच्छी नहीं है और जो मेरे मुरीद हैं उनके लिए रूहानी एतबार से अच्छी नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं गुनहगार हूं जो कुछ भी हूं, लेकिन वो मेरे मुरीद है, आप मेरे मुरीद हो गए, आपको समझ में आया, इसलिए ये सब चीजें जो है बयान में आती भी नहीं, हालांकि ये सब आनी चाहिए, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब, इन लोगों की किताबें जो तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वाले बयानात वगैरह हैं, इनको पढ़ो ताकि आप लोगों को पता चले कि तसव्वुफ में क्या किया, किन किन चीजों को करना है। मुझे हया आती है ये सब बातें बयान करने में, मगर ये दो बातें बहुत जरूरी थी, तो इस वजह से अल्लाह ताला शानहू फजल फरमावे, अल्लाह फजल फरमावे, अल्लाह फजल फरमावे। और छुट्टियों में कुछ ना कुछ वक्त हो यहाँ राबता करना चाहिए, हम आना चाहते हैं, और जब मौका दिया जाए तो आना चाहिए। लेस्टर वाले लोगों को भी यहाँ कभी कभी साल में कभी मैं 24 घंटे के लिए आना चाहता हूँ, 48 घंटे के लिए आना चाहता हूँ, तो आकर के रहना भी चाहिए। बयान सुनने के लिए मत आओ, मुरीदों को बयान सुनने के लिए आना चाहिए, अपने शेख की सोहबत के नीयत से आना चाहिए। अल्लाह ताला जिस जिस जगह पर जिस जिस का ताल्लुक है आपको आपके शेख से बहुत ज्यादा नफा पहुंचाए, और जिन लोगों का मुझसे ताल्लुक है अल्लाह ताला बुजुर्गों के फैज को मेरे जरिए आप तक पहुंचाए, और अल्लाह ताला शानहू आप सबको मेरे लिए आखिरत में नजात का जरिया बनाए। सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह,
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر